जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी। सब लोग आ जाइए संगत जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी रेखा आंटी, सबको जय गुरु जी। 8 बज गए हैं, सब लोग अपने अपने टाइम के पंक्चुअल हैं, जैसा कि गुरु जी सबको देख रहे हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह सब लोग दरबार के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो आप लोग सुबह अमृत वेला में सब दरबार के दर्शन करते ही हैं, जय गुरु जी। जय गुरु जी शगुन आंटी, जय गुरु जी मनदीप आंटी, जय गुरु जी नीरू आंटी, जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी सबको जय गुरु जी। हैप्पी वुमेंस डे, कल सबको हैप्पी वुमेंस डे की लख लख बधाई हो। देखिए वुमेंस के लिए तो डेली हैप्पी वुमेंस डे होता है, क्योंकि अब उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके पापा उनको इतना पैम्पर जो करते रहते हैं, तो रोज ही है वुमेंस डे। तो सुनीता आंटी, कोमल आंटी सबको जय गुरु जी, मीनू आंटी जय गुरु जी। जल्दी जल्दी सब लोग अपनी अटेंडेंस लगाइएगा, गुरु जी देख रहे हैं बैठे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जो अपने चरणों में बिठाकर इस लायक समझते हैं कि हम गुरु जी के लिए हम कुछ गुणगान गा पाएं और आप और हम मिलकर कुछ गुफ्तगू कर सकें। शुक्राना गुरु जी का कि इस लायक बनाया कि आपके साथ बैठकर गुरु जी का गुणगान, उनकी महिमा गा सकें, उनके सत्संग सुना सकें। हैप्पी वुमेंस डे सबको, और हैप्पी वुमेंस डे के साथ साथ हैप्पी मैंस डे भी, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया कि वुमेन के साथ मैन को भी बधाई देनी है। क्योंकि मैंने कल यही शेयर किया था कि जो वुमेन हैं, औरतें हैं, उनको हैप्पी हैप्पी रखने में हमारे घर के पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो हमारे पापा हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे पति हैं, चाहे हमारे बेटे हैं, जब तक वो हमें खुशी नहीं देते तब तक हम एक हैप्पी वुमेंस डे नहीं मना सकते हैं। तो हमें अपने गुरु जी के साथ साथ अपने अंकल का, अपने बच्चों का, अपने फादर का, अपने बेटे का, अपने भाई का, सबका शुक्राना करना चाहिए, है ना। भावना आंटी जय गुरु जी, कंचन जी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी जल्दी आ जाइए संगत जी। नितिका आंटी जय गुरु जी, सब आ जाए जल्दी जल्दी। आज तो मैं सत्संग में कहीं नहीं गई थी संगत जी, पर आज गुरुजी ने मेरे को बहुत घुमाया, इधर से उधर, उधर से उधर, और शिवरात्रि की शॉपिंग करवाई है। कल गुरुजी का दरबार सजेगा, स्पेशल दरबार सजना शुरू हो जाएगा कल से, और आप देखेंगे कि परसों गुरुजी को हम एक बहुत ही सुंदर, जो भी हमारे भाव हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन का गुरुजी ने सामान लेके दिया है। और बहुत थक गई थी मैं इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत मार्केट में गर्मी थी, पर गुरुजी तो कहते हैं ना कि वो तुम्हारे कर्म कटवाने का जरिया है, तो सेवा तो उन्होंने लेनी है। अगर आज सत्संग में नहीं भेजा तो ये वाली सेवा लेनी ज़रूरी थी, इसके लिए आज मुझे खाली रखा हुआ था, इसलिए आज ये वाली सेवा प्रवान की गुरुजी ने। और मैं बहुत खुश थी जब मैं लेके आ रही थी सारा सामान, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कल मैंने सोचा है कि मैं 2-3 सेवादारों को बुलाऊंगी और फिर तभी हम इतनी डेकोरेशन कर पाएंगे, वरना मेरे तो अकेले बस की बात नहीं है। और मेरी मेड भी इस बार छोटी सी है, उसकी हाइट कम है, वो ऊपर चढ़ भी नहीं सकती है। तो शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। अनु आंटी जय गुरु जी, सुमिता आंटी जय गुरु जी, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए 8 बजे का हमारी क्लास होती है ना, ये जो सत्संग होता है ये हमारी क्लास होती है, और बच्चे लेट हो जाते हैं, है ना, 8:05 हो गए हैं, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी तो हम चलता रहेगा, पूरा टाइम हम बोलते रहेंगे, पर हम जो गुरु जी के दरबार में हम हाजिरी लगाते हैं,
तो उसमें हमें बहुत देर नहीं ना करनी चाहिए, हमें पहले ही आके बैठ जाना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी शॉपिंग कराई अपने लिए, बहुत सारा, बहुत सुंदर सुंदर, मैं बताऊंगी नहीं आपको, बस आप परसों दरबार देखिएगा, अमृत वेले में ही दरबार सज जाएगा, क्योंकि इतना उस समय समय नहीं होगा। एक तो अमृत वेला में, अमृत वेला करने के बाद मुझे एक सत्संग में जाना है, वहाँ पे इनविटेशन है, बहुत बड़ा सत्संग है, और उन्होंने शिव अंकल को भी बुलाया और मुझे भी बुलाया, और शिव अंकल तो कल ही आ जाएंगे रात को हमारे यहाँ। कोशिश रहेगी कि 11 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन अमृत वेला में शिव अंकल भी आपको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरु जी से लेकर, और गुरु जी के साथ साथ हम उनकी भी ब्लेसिंग लेंगे अगर वो मान गए तो। वरना वैसे वो थोड़ा अगर सोचती हैं कि अगर रात को लेट सोएंगे तो ना उठ पाए, पर मैं उन्हें उठा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चाहे 5-10 मिनट के लिए सही शिव अंकल अपना मैसेज जरूर छोड़ें संगत के पास, क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, और गुरु जी के प्यारे चाइल्डहुड फ्रेंड शिव अंकल आ रहे हैं कल, तो कृपा बहुत बनी रहे सबके ऊपर गुरु जी महाराज की। फिर हमारा अमृत वेला होगा, और फिर 8 बजे हमारा एक जगह सत्संग है, वहाँ से मैं वापस आऊँगी 11-12 बजे तक, तो अपने घर की तैयारी करूँगी। 3 से 5 हमारे घर में सत्संग है संगत जी, और लाइव जो है वही 4-4:15 बजे आऊँगी मैं, उसके बाद 5-5:30 तक जैसे भी गुरु जी का हुक्म होगा, हम आपको सुंदर सुंदर भजनों की अमृत वर्षा कराएंगे, सुनाएंगे, और गुरु जी को आप देखेंगे, गुरु जी का दरबार एकदम डिफरेंट तरीके से डेकोरेट हुआ होगा, क्योंकि ये तो सरप्राइज़ है, अब मैं बता दूंगी तो ये सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा, और ये गुरु जी के लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि गुरु जी को किस तरीके से परसों हमने रेडी करना है, कैसे उनकी रंगोली बनानी है, कैसे उनकी रूम की डेकोरेशन करनी है, ये सब गुरु जी करवाएंगे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कहाँ चले गए सब लोग, आइए, हैप्पी वुमेंस डे संगत जी, हैप्पी मेंस डे। मुझे तो हैप्पी वुमेंस डे को हैप्पी मेंस डे भी साथ में कहना है, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, इन्हीं पुरुषों की वजह से, इन्हीं मेल अंकल की वजह से हम लोग हैं आज इस दुनिया में हैं और यहाँ बैठे हैं, और गुरु जी ने इतनी कृपा बरसाई हुई है कि हमारे जो अंकल हैं वो हमें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें हर जगह पर हमारा हमारे साथ एक ढाल बन के खड़े होते हैं। और ऐसा ना समझे कि जो जिनके पास अंकल नहीं है, जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास भाई नहीं है, जिनके पास पापा नहीं है, या जिनका कोई डिवोर्स हो गया है, या कोई बेटियां हैं जो अकेली हैं, या वो इस दुविधा से गुजर रही हैं जिनको डिवोर्स की प्रक्रिया चल रही है, या कोई ऐसी बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए गुरु जी ही हमारे मेल अंकल की तरह गुरु जी उनको पुरुष एक हैं, और गुरु जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी का आंटियों और बेटियों के प्रति तो बहुत प्यार है, शुरू से ही उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बेटियों और आंटियों के लिए उनके दिल में है, तो उनके लिए तो हैप्पी वुमेंस डे भी मैं कहूँगी और हैप्पी गुरु जी डे भी मैं बोलूँगी, तो क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ, दीवानी सी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, संगत जी माफ़ करना, गुरु जी तो मेरी बात को ना बस ऐसे ही सुन लेते हैं, वो कहते हैं कि चली है तो बोल देंदी कुछ भी, इन्हू कोई फर्क नहीं पैंदा, कभी कह देंदी है कि गुरु जी आप मेरे रोम रोम में समाए हो और मैं आपकी धड़कन में समाई हूँ, तो मुस्कुराता रहता हूँ मैं तो, और कहती है कि आपकी धड़कन में मैं हूँ और मेरी धड़कन में आप हैं, तो वो तो गुरु जी हैं, गुरु जी कहलवा रहे हैं, मैं थोड़ा ना बोल रही हूँ कोई, पर गुरु जी को पता है ये झल्ली है, ये प्यार करती है मुझे, बहुत प्यार करती है, तो इसका मुझे हर कहा हुआ परवान है। ऐसे ही तो नहीं गुरु जी ने मुझे अपनी वीरा बनाया ना, गुरु जी मेरे वीर जी हैं और मैं अपने वीर जी को कुछ भी कह सकती हूँ, मैं उनको प्यार में उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको लाड भी लड़ा सकती है, हम आप भी कर सकते हैं, उन्हें लाड लड़ाएं, उन्हें प्यार करें, उन्हें बेशुमार प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जहाँ भी सत्संग में जाएं उस सत्संग में भी सब संगत को सिखाएं कि सत्संग में भी गुरु जी की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं ना अभी 2-3 दिन से संगत जी बहुत सारे ऐसे सत्संग में जा रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे फूलों के बड़े बड़े दरबार सजाए जाते हैं, और बहुत महंगे महंगे दरबार, 15-15, 20-20 हज़ार जो फूल वाला उनसे लेके जाता है, आज उसके ऊपर भी कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सत्संग सुनाऊंगी मैं आपको, वुमेंस डे से रिलेटेड ही, एक औरत से रिलेटेड कि औरतों को
हमें कितना मजबूत बनना चाहिए क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं। हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि जब गुरु का साथ होता है तो हम हमेशा ब्रेव हो जाते हैं, हमें ना कोई भी उसमें चिंता नहीं रहती है। तो पहले हम वही, जैसे मैं तो शुरुआत करती हूँ कि जय गुरु जी, कुसुम आंटी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे आंटियों के मेरे को नाम दिखाई दे रहे हैं और सबकी डीपी में कहीं गुरु नानक देव जी हैं, गुरु जी हैं, कहीं वो खुद हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीपी लगाने से ऐसा नहीं है कि हम डीपी गुरु जी की लगाते हैं तो हम गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं। मैं तो गुरु जी की डीपी बहुत कम लगाती हूँ, हाँ मैं स्टेटस ज़रूर लगाती हूँ, और जब गुरु जी मुझसे लगवाते हैं तो मैं गुरु जी के साथ अपनी डीपी लगा लेती हूँ। प्रोमिला आंटी जय गुरु जी, तो एक दो लाइन सुनाते हैं और उसके बाद मैं आपको आज बहुत प्यारी एक ब्लेसिंग शेयर करूंगी जो मुझे सुबह सुबह आज मिली है। फिर उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। और जैसे कल हैप्पी वुमेन्स डे पर मैंने अपनी मेरी ज़िंदगी बुलबुल में से दो तीन कविताएं सुनाई थी, तो मुझे बहुत सारी संगत ने बोला कि आंटी आप जब भी सत्संग करते हैं तो अपनी इसमें से शेर व शायरी और दो तीन पोएम जरूर सुनाया कीजिए। तो ये मुझे लगता है कि मेरी बुक को गुरु जी ने ही ब्लेस किया है, मेरी ज़िंदगी बुलबुल, और ये गुरु जी की ही वजह से मैंने इस किताब को लिखा है। तो तभी गुरु जी अब कह रहे होंगे कि तू चल, अब तू अपनी दो चार कहानियाँ भी सुना दिया कर, है ना। तो इसमें मैंने गज़ल लिखी है और मतलब कि बहुत सारा मैंने इसमें शायरी लिखी है और कविताएं लिखी हैं, और जो मेरी मम्मी को, मेरी बेटियों को और मेरी संगत को, सबको डेडिकेट किए हुए हैं, औरतों के ऊपर ज़्यादा लिखा है। तो ये तो हम बाद में सुनाएंगे संगत जी, पहले हम शुरुआत करते हैं अपने गुरु जी को मनाने की। आइए आप मेरे साथ मिलकर गाएं। ये देखिए, मेरे छोटे से नन्नू से गुरुजी, मेरे को एक बहुत प्यारी प्रिया आंटी है, उसके घर सत्संग करने गई थी और ये उन्होंने मुझे दिए हैं। कितने प्यारे हैं ना, कितने क्यूट से हैं ना, देखिए, है ना। तो आइए इनके साथ ही हम मिलकर सुनाते हैं। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ, मेरे कर्मा वल ना वेखे ओ जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आ। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई आ। तुसी तारनहार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लौंदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुई आ। ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावी ना, ऐ सोच के मैं घबराई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आइए संगत जी, अभी हम जय गुरु जी, स्वाति आंटी, नीरू आंटी, श्वेता आंटी, रीमा आंटी, वाह बहुत सारी संगत जुड़ गई है। संगत जी, ये गुरु जी की आगे आपकी अटेंडेंस लग रही है और आगे भी लगती चली जा रही है, सब पे मेहर बरहात रखना। तो
तो आज ना हम आपके सामने कुछ सत्संग शेयर करेंगे वुमेन्स डे के ऊपर ही कि हैप्पी वुमेन्स डे। औरतों को कितना कैपेबल होना चाहिए और कभी किससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। लेकिन गलत का साथ भी नहीं कभी देना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तो मुझे ना बहुत सारी संगत जी के ना मैसेजेस आते हैं कि मैंने पहले एक शेयर किया था डिवोर्स के ऊपर कि डिवोर्स की जो है ना बातें आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एक और प्रॉब्लम देखने में आ रही है संगत जी, जो कि है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिससे आज हर तीसरी चौथी लड़की जूझ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गुरु जी ने मुझे बहुत सारे थॉट्स दिए और मैंने बहुत सारी बच्चियों से बातचीत की जो मुझे यूट्यूब से लेकर फ़ोन करती हैं या मैसेजेस करती हैं। उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता, जिसके ऊपर बीतती है संगत जी वही जानता है। तो मैं कई बार गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी क्या बिगाड़ा इन बच्चियों ने, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, इतनी सुंदर सुंदर बच्चियाँ, और इतने अच्छे घरों में इनके माँ बाप इनकी शादी करते हैं, उसके बाद ये इतनी खुश रहती हैं, अचानक से इनकी लाइफ में कौन तीसरा आ जाता है या तीसरी लड़की आ जाती है, एक तीसरा इंसान आ जाता है कि जिससे उनकी ज़िंदगी सारी उथल पुथल हो जाती है और तहस नहस हो जाती है। और हस्बैंड जो है वो अटक ही जाते हैं कि अब मुझे, मतलब आजकल तो जो मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस कलयुग में ना कोई डर रह ही नहीं गया। इतने हम गुरु जी के सत्संग करवाते हैं, इतनी जगह जाते हैं, गुरु जी की इतनी सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी को लोग इतना मान रहे हैं। मतलब मुझे जब पता चलता है कि वो गुरु जी के फॉलोअर्स ही हैं, वो लड़का और लड़की दोनों, पर उन्हें अपने गुरु का कहीं पे कोई डर नहीं है शंकर जी। और वो अपनी वाइफ के सामने एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हें भी रखूंगा और उस लड़की को भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या हम इस धरती पर जब रहते हैं, ये राम की धरती है, ये देवताओं की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये शेरावाली माता की धरती है, ये 10 गुरुओं की धरती है, ये हमारे गुरु जी की धरती है, ये इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। जब मैं यूएसए में गई तो मैंने फॉरेन कंट्री में देखा संगत जी कि वहां पर भी इतना इतनी ज्यादा गंदगी नहीं है कि लोग एक छोड़ रहे हैं, दूसरी को अपना रहे हैं और एक घर में दो दो। मेरी बेटी के सामने, मैं बालकनी में कई बार बैठी होती तो सामने वाले घर में मैं देखती थी, बड़े यंग यंग कपल रहते थे, बालकनी में बैठते थे, इतना प्यार था उनके घर में। और उनके घर में चाहे ना, उनके घर में ना मतलब उनके बच्चे नहीं है वहाँ ना, बहुत लेट लोग बच्चे पैदा करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा कि यूएसए में लोग बहुत देर से बच्चे होते हैं उनके, तो उनके घर में हर घर में डॉग या कैट जरूर होती है, डॉग ज़्यादा होते हैं, तो मैं डॉग को बहुत प्यार करते हैं। पर मैंने नहीं देखा कि कोई तीसरी लड़की को लेके अपने घर में बैठा है, क्योंकि वो तो इतनी एडवांस कंट्री है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग इतनी आगे जाके, हम इतनी गुरु जी को मानते हैं, अपने बच्चों को इतने सत्संग सुनाते हैं, फिर भी हम इस गलत राह पे जाई जा रहे हैं। बताइए कि ये ऐसी लड़कियों को, जैसे मैं कल बोल रही थी कि हम हैप्पी वुमेन हैप्पी वुमेन्स डे हम सबको कहते हैं, तो वो बच्चियाँ जो इस दर्द से गुजर रही हैं, क्या उन्हें जब हम हैप्पी वुमेन डे बोल देते हैं, हम लिख देते हैं, हमें पता नहीं होता कि उनके साथ कौन सी परेशानी है। जब मैं भी लिख देती हूँ उन्हें, जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं, फोन आता है तो मैं कहती हूँ हैप्पी वुमेन डे, तो वो लड़की अचानक से रो पड़ती है। कल तो मेरे पास 3-4 लड़कियों के फोन आए संगत जी, वो चुप ही नहीं हो रही थी, रोती ही चली जा रही थी, फफक फफक के रो रही थी। और मैं उनको, मैं गाड़ी चला चला रही थी और मैं उनको कह रही थी कि बेटा प्लीज़ चुप हो जाओ, पहले मेरी मेरी बात सुनो, जय गुरु जी बोलो और चुप हो के आप मेरे से बात करो। मेरे बच्चे आप क्यों रो रहे हो, मेरी बेटी आप क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत अंदर तक दर्द हो रहा था और मैं मतलब अंदर से ना मेरा दिल ऐसे कचोट रहा था कि मैंने भाई इनको ना, मैंने क्यों बोला मैंने हैप्पी वुमेंस डे? मैंने तो ये शेयर किया कि मैंस की वजह से आज मेल अंकल की वजह से, सब अंकल्स की वजह से हम औरतें खुश रहती हैं। पर आप सोचिए, अपने आसपास ही देखिए और अपने रिलेटिव्स में देखिए, क्या हर औरत आज की डेट में खुश है? मुझे नहीं लगता खुश है। ये हम कह देते हैं गुरु जी है, गुरु जी सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी गलतियां तो हैं ना, हमारे एफर्ट्स तो हैं ही है ना, कि हम वो नहीं अगर हम कर पा रहे। अब क्यों हो रहा है ये सब, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं?
यहाँ पर बात आती है कि सारी गलती ना सिर्फ लड़कों की नहीं है। मैं इस मामले में हमेशा मैं बॉयज़ की फेवर जरूर करती हूँ, अंकल की फेवर मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि हाँ संगत जी देखिए आप लिख रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन हमें कहीं ना हमें उस बात की तह तक जाना पड़ता है कि ये हो क्यों रहा है। क्या हम अपने हस्बैंड की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो जो हमसे चाहते हैं हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जहाँ तक मैंने सर्च किया, जहाँ तक मैंने सोचा, जहाँ तक मुझसे लोगों की बातचीत हुई, जहाँ तक हज़ारों लोगों की मुझसे बात होती है, आज तक पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने मुझे फ़ोन किए होंगे, जब मैंने उनसे बात की और मैंने उनके हस्बैंड के भी नंबर लिए और मैंने उनसे भी बात की, मैं यहाँ कभी किसी का नाम नहीं लेती, आपको पता है मुझे हुक्म ही नहीं है गुरुजी का कि मैं किसी संगत को नाम लेके उसका सत्संग शेयर करूँ। पर ये सत्संग जो हम सुनाते हैं, ये पता नहीं किसकी बेटी किसके बेटे के लिए ये ब्लेसिंग है कि वो सुने और वो अपने आप को सुधारे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते, ज़्यादातर लड़के गलत होते हैं क्योंकि उन्हें संस्कार ही ऐसे नहीं मिले। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, हमने अपने बच्चों को ये संस्कार ही नहीं दिए, हमने उन्हें गर्ल्स की इज्जत करनी सिखाई ही नहीं कभी, कि ना तो वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं और ना अपनी बीवी की करते हैं और ना अपने किसी दोस्त की इज्जत करते हैं। पर कुछ घरों में लड़के बहुत सीधे हैं, मेरे खुद के मैं जानती हूँ, मेरे को जानते हैं ऐसे बॉयज़ हैं जो मुझसे अपना दुख शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंटियाँ करती हैं, मुझे बहुत सारे अंकल भी फ़ोन करते हैं कि उनकी वाइफ ने उनके साथ क्या क्या किया, उनकी वाइफ उनके साथ में उनके मम्मी का ध्यान नहीं रखती हैं और अपना खाना बना के अपने रूम में, मेरे कुछ हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे ही हुआ कि अपना खाना बनाया और अपने कमरे में डाला और डाल के प्लेट में चली गई और खा लिया टीवी देखते हुए। भाई मम्मी ने खाया पापा ने खाया कोई बात नहीं, वो अपने आप बना रहे हैं, एक ही घर में दो दो किचन बन गई हैं। और उनकी जो माएँ हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि नहीं ठीक है क्या करना है तुझे, मतलब मैं देखती हूँ, मुझे बोलते हैं, मुझे समझ में आता है कि वो लड़कियाँ ऐसा करती हैं क्योंकि उनको बोला जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि आजकल तो को सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कौन रहता है जॉइंट फैमिली में, तो तुम छोड़ो ना, तुम अपना बस बनाओ और खा लिया करो। और छुपा छुपा के चीज़ें रखना और छुपा छुपा के हर चीज़ करना, और कुछ जैसे मतलब छोटी छोटी बातें जो मुझे लड़कों ने शेयर की तो मुझे हंसी आती है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सिखाया हमने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को भी हमने क्या सिखाया है कि छुपाना, कि एक घर में अगर पैसे की कमी है ठीक है उस घर में वो आदमी कम कमा रहा है। आप देखिए ये मेरा जो सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ ना, तभी मुझे लोग कहते हैं बुलबुल आंटी जो आप बोलते हो ना आपके सत्संग में ना हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है, और ये सच है, ये गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं। मैं कभी सोच के नहीं बैठती हूँ कि मैं आज क्या बोलूँगी। वुमेंस डे था तो मैंने आज इसलिए मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला कि आज मैं ये सब शेयर करूँ। तो वो जो बॉयज़ हैं वो जो अंकल हैं वो ना मुझे बोलते हैं कि भाई हम कम कमाते हैं तो हमारी वाइफ के पेरेंट्स थोड़ा अच्छा कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ड्राई फ्रूट और ये सब चीज़ें ना चॉकलेट्स और फ्रूट्स ना अपनी बेटी को मतलब जब वो घर जाती है उसको दे देते हैं। तो अब देखिए वो लड़की प्यार तो करती है अपने आदमी को, ठीक है अपने पति को प्यार करती है, खा रही है अकेले कमरे में बैठ के और अपने हस्बैंड को भी खिला रही है। छोटी सी बात है, देखिए कहने को इतनी जरा सी बात है कि वो बादाम खा रही है, काजू खा रही है, छुपा छुपा खा रही है। बेटा है ना, बेटे की तो वो माँ बाप है ना, तो बेटे का तो दिल करेगा ना कि भाई हम मतलब मैं मेरे माँ बाप भी खाएं, कि मैं इतना नहीं कमाता और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खिला पाता तो मैं मेरे पेरेंट्स भी खा लें ये सब चीज़ें। तो वो बोल देता है कि वो बताते हैं मुझे कि भाई मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं खाना तुम ही खा लो या तो उनको भी दो, तो वो बोलती है नहीं नहीं उनको नहीं देना ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं क्या हो गया मम्मी पापा भी तो खा लेंगे। तो क्या शिक्षा दी हमने अपनी बेटियों को, क्या ये शिक्षा दी है कि छुपा छुपा के चीज़ें रखो छुपा छुपा के खाओ। अब ये बातें जो हैं ये लड़कों के मन में ना धीरे धीरे ना अपनी पत्नी के प्रति ना प्यार को कम करते हैं, वो क्या करती है कि इन चीज़ों से ना वो जो बॉयज़ होते हैं वो मेल जो अंकल होते हैं वो धीरे धीरे ना अपनी वाइफ को उनके मन से ना मतलब उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो कम होती चली जाती धीरे धीरे। वो जितना अपनी वाइफ को पहले से प्यार करते थे पर अब वो उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत मतलब ये तो बहुत स्वार्थी है, भाई ये मुझे तो प्यार करती है लेकिन मेरे परिवार को इसने अभी तक नहीं अपनाया। अब जो लड़कियां हर चीज़ आते ही अपने पेरेंट्स से लाएंगी और आते ही अपने सास ससुर को दिखाएंगी और उनके सामने रख देंगी कि ये घर है ये जॉइंट फैमिली ये सबके लिए है,
तो उस आदमी के मन में नेचुरल इज्जत बढ़ जाएगी। अब अचानक से धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो वो शेयर करते हैं। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये होती है कि वो सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले भी बोला था कि बिल्कुल भी तैयार होके नहीं रहती हैं लड़कियां। शादी हो गई, मैं इतनी बच्चियों को देखती हूँ, सत्संग में भी आती हैं, किसी घर भी जाती हैं, रिलेटिव भी हैं, संगत में भी हैं, शादी से पहले इतना बन संवर के रहती हैं और अच्छे से जाएंगी, डेट पे जाएंगी, उनकी लव मैरिज होती है, सब कुछ है, प्यार मोहब्बत उनका चल रहा है, और अचानक से जैसी उनकी शादी होती है संगत जी, तो वो अपना बिल्कुल ना बिंदी, ना लिपस्टिक, ना कोई कान में इयर रिंग। मेरी खुद की छोटी बेटी ऐसे ही करती थी, वो डिजाइनर है, कह कह के उसकी मदर इन लॉ उसको इतना प्यार करते हैं, उसके घर वाले उसको कि तू ये पहन, तू वो पहन, तो वो तो डिजाइनर स्टूडियो चलाती है, थोड़ी बन ठन के अब जाती है, पर घर में जब वो रहती थी शुरू में वो भी नहीं करती थी, तो कंघी तक नहीं करती वो लड़कियां, उन्हें लगता है अब तो हमारी शादी हो गई, हमारा प्यार हमें मिल गया, अब क्या करना है। वो इतनी इतनी केपरी पहन के बैठ जाती है। इतने डिवोर्स तो मैंने देखे हैं संगत जी, क्यों हुए हैं कि उन लड़कों ने ये बताया कि भाई मेरे पेरेंट्स को ये हाफ निक्कर और केपरी घर में पहनना और ये कपड़े स्पैगेटी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरी वाइफ मेरा कहना नहीं मानती है, वो उनके सामने भी ऐसे ही रहती है। अब वो लड़की कहती है भाई मैं इतनी मॉडर्न हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहले भी पहनती थी। तो यहाँ बात ये आती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना जब अपने बच्चों की शादी करनी होती है, मैंने भी बहुत मतलब मुझे भी बहुत सारी इन चीज़ों से गुजरना पड़ा था, पर गुरु जी ने हमेशा साथ दिया और बहुत समझाती थी मैं अपने बच्चों को, मैंने कभी उनको गलत बात में उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हम सपोर्ट गलत करते हैं तो वो गलत राह पे चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार गुरु जी से भी बात की, कई बार डिस्कस करती हूँ, उनसे बैठ जाती हूँ, गुरु जी लिखती हूँ क्या करूँ मैं बताओ, जब क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे लोगों के, कि कोई भी लड़का लड़की की जब पेरेंट्स शादी करते हैं संगत जी, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, उनको ना शादी से 2-3 महीने पहले उनकी काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। ये एक मुद्दा मुझे समझ में आया, जिससे कि जो गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि डिवोर्स होने कम हो जाएंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई लड़का लड़की कितना मर्जी बोले हम 8 साल से प्रेम में हैं, 5 साल से, 10 साल से हम प्यार में हैं, पर वो सिर्फ एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में जानने की वो कोशिश भी नहीं करते हैं। अब लड़का ये समझता है कि लड़की को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मुझे बेइंतहा प्यार करती है, उसके माइंड में एक थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है उस मेल में, उस अंकल में, कि ये तो मुझे इतना प्यार करती है और जैसे ही मेरे घर में आएगी जो बोलूँगा वो करेगी। लड़की सोचती है कि लड़का मुझे इतना प्यार करता है, मैं जो बोलूँगी वो ये करेगा। अब जहां पे मैं आ रही है वहां पे तो लड़ाई होनी होनी है। अब लड़की घर में आ गई है और लड़के ने तो सोच लिया था कि ये सब कुछ वैसे ही करेगी जैसे मेरा घर चल रहा है, उसे बताया ही नहीं कि मेरा घर कैसे चलता है, उसको अपने घर वालों के बारे में कुछ बताया नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे थॉट हैं, ये पता नहीं आपको कैसे लगे, लड़के को लड़की को अपने घर में अपने पेरेंट्स से 2-3 बार जरूर मिलवाना चाहिए। खुद तो मिलते रहते हैं अरेंज मैरिज में भी, पर पेरेंट्स से कभी नहीं मिलवाते हैं, और उनके लड़की के पेरेंट्स से भी मिलना चाहिए, ताकि एक दूसरे की हम भावनाओं को समझ पाएं कि वो कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं। फिर 2-3-4 महीने 6 महीने के बाद आपको लगे कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो उसको आगे बढ़ाएं, वरना मैं सोचती हूँ उसको वहीं पर छोड़ दें, खत्म कर दें। क्योंकि जहाँ पर लड़की जिद करेगी कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से सब कुछ करूँगी, मैं अपनी मर्जी से देर से आऊँगी, मैं अपनी मर्जी से अपना खाना बनाऊँगी, भाई अब खाना बन रहा है, अब मदर इन लॉ घर में खाना बना रही हैं, बेटी नहीं बहू नहीं बना रही है, कह रही मैं तो पास्ता खाऊंगी, मैं तो मैगी खा के पेट भरूंगी, मेरे को तो पिज्ज़ा खाना है, रोज़ रोज़ वो खाना बनाती हैं। अगर वो अपने लिए मदर इन लॉ खाना बनाती हैं और उसको नहीं पूछती तो भी वो बुरी बन जाती हैं, अगर वो उसे पूछती हैं तो भी वो बुरी बनती हैं, ना पूछ तो भी वो बुरी बनती हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां ये शिकायत करती हैं कि हम जितना मर्जी कर लें पर हमारे सास ससुर हमारे को कभी अहमियत नहीं देते। ये केस बहुत कम होता है, मैं फिर भी उन वुमेन्स को, उन गर्ल्स को, उन बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि औरत को ना बनाया ही भगवान ने, गुरुजी ने ऐसा है कि एक सब्र रखने वाली इंसान, एक पेशेंस वाली इंसान, एक मतलब एक अलग ही है नारी, वो औरों से बिल्कुल अलग है,
उसको जो दिया है ना वो किसी पुरुष को नहीं दिया, वो अपनी भावनाओं से अपने प्रेम से सबको अपना बना सकती है। क्या करना होता है संगत जी, थोड़ी सी बात ही तो माननी होती है ना बड़ों की। यही तो पेरेंट्स सिखाए अपनी बेटी को और बेटे को कि एक दूसरे की बात मान लो, बस एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दे दो। अगर लड़के को एक लड़की ने ये कहा कि मेरा बाहर खाने का मन है, तो उसको बोलो कि ठीक है वीकेंड पे मैं तुझे बाहर ले जाऊंगा, 6 दिन पर तू घर में खा। और लड़की को भी ये चाहिए कि अगर वो बाहर जा भी रही है तो अगर वो 2 फुलके अपनी मदर इन लॉ के लिए बना के चली गई है तो उसको क्या चला जाएगा। हम भी तो ऐसे ही करते थे, हमारी शादी हुई थी हम भी घूमने जाते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी। मैं 20 ईयर की थी जब मेरी मैरिज हुई, मेरी दोनों बेटियां, मैं 23 की थी, हो गई थी, बहुत काम करती थी मैं घर का, कोई नौकर चाकर नहीं थे, 5 भाई थे, इतना बड़ा परिवार था। मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था, पहले शादी से पहले मैं एवरी वीक मूवी देखती थी, 2 मूवी एक ही दिन में। पर शादी हुई तो बहुत कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हमने महीने में मंथ में 1 मूवी देखनी शुरू कर दी। तो हमें उसके लिए भी मना किया जाता था कि क्यों जा रहे हो, मत जाओ अभी, ऐसे ये वो करके बच्चों को लेके। पर मेरे हस्बैंड ले जाते थे मुझे, और मैं घर का सारा खाना बना के पूरी किचन समेट के बर्तन साफ करके सब कुछ करके जाती थी कि हमें कोई कुछ कह ना दे। क्योंकि संगत जी हम ना डरते थे उस समय, आज के बच्चों को ना डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया, पढ़ाया लिखाया तो इसलिए था कि वो इंडिपेंडेंट बन सकें, वो अपने काम खुद करने सीखें, वो नौकरी करें, वो बिजनेस करें, वो पैसे कमाएं, उन्हें किसी का कभी मोहताज ना होना पड़े। पर हुआ क्या, इस पढ़ाई लिखाई से हम उन्हें वो संस्कार देने ही भूल गए कि जो एक घर में एक महिला को, एक लड़की को होने बहुत ही ज़रूरी है। पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं आपसे बात कर रही थी, अब एक तो उसने, लड़कों ने ये छोटी छोटी शिकायतें करी, दूसरा उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तैयार व्यार होके नहीं रहती हैं इतनी, जब हम घर में आते हैं तो इनका मुंह सूजा होता है, कभी मम्मी का मुंह इधर और बेट बहू का मुंह उधर। अब वो लड़का क्या करेगा जब वो घर में आएगा, वो देखेगा मेरी बीवी और मेरे मम्मी का मुंह सूजा हुआ है और मेरे को कोई पानी भी नहीं पूछ रहा, और कोप भवन में दोनों की दोनों बैठी हैं और ऐसे बाल बिखरे हुए हैं और गंदे कपड़े पहन के मेरी बीवी बैठी है, तो वो धीरे धीरे अपने दोस्तों में बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ये बहुत नेचुरल सी बात है, आप इस बात को थोड़ा डीप में समझिएगा। जिनको ये प्रॉब्लम है ना, आप उनको ये सत्संग जरूर सुनाइएगा, उन्हें भेजिएगा, शेयर कीजिए सत्संग को, आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सुने। मुझे मेरी वजह से मत शेयर कीजिए कि बुलबुल आंटी बोल रही हैं, मैं तो अपना चेहरा इधर भी कर लूँगी तो गुरु जी बैठे हैं। आप सत्संग की वाणी को शेयर कीजिए कि जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उसको शेयर कीजिए प्लीज़, कि ताकि उनको अपने आंसर मिल सकें। और वो लड़का धीरे धीरे बाहर, मैंने ये चीज़ें सब सुनी हैं, मैंने ऑब्जर्व की हैं और मैंने उनको समझा है, तब मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। मेरे को लगा कि वुमेंस डे से बेटर ये कोई दिन नहीं हो सकता कि इस बात को शेयर करने के लिए। तो वो लड़का धीरे धीरे दोस्तों में चला जाता है, फिर वो ड्रिंक करनी शुरू करता है, फिर दोस्तों के साथ गपशप मारता है। अब दोस्तों में ज़रूरी नहीं कि उसके सारे दोस्त ही शादीशुदा होते हैं, उसमें कुछ अनमैरिड भी होते हैं, तो वो मस्ती मस्ती में ही, उनको सहेलियां भी होती हैं, तो वो जब मिलते हैं तो वो उनको, मतलब एक उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो उधर चला जाता है। अब वो अंदर से तो परेशान होता है इंसान, और जब वो देखता है कि सामने एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है या एक औरत है, वो बड़ी अच्छी बन ठन के बैठी है, वो इमेजिन करता है कि मेरी वाइफ तो ऐसे नहीं करती है। फिर वो लड़की बाई चांस बताती है, क्योंकि उसे पता होता है, यहाँ देखो वो तीसरी जो लड़की है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुकी है, वो क्या करती है, वो उस लड़के के वीकनेस का फ़ायदा उठाती है। अब उसको ये पता होता है कि भाई ये तो परेशान है अपनी बीवी से, इसने ज़रा सी परेशानी शेयर की तो उसने उसकी वीक पॉइंट को पकड़ लिया। अब वो उसकी तरफ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे मैं तो दुनिया की बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत, उसको लगता है कि अभी उसे छोड़ देगा और मुझसे शादी कर लेगा। पर ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं होता किसी को छोड़ के दूसरे से शादी करना। यहाँ पर है भटकना, इसको कहते हैं भटकाव। मन भटक गया उस इंसान का उस लड़की के प्रति, उस लड़की ने मन को ज़्यादा भटका दिया, अपने फेवर में करती चली गई। कसूरवार इसमें कौन है? वो थर्ड पर्सन नहीं है जो आपकी लाइफ के अंदर आया, कसूरवार वो लड़का है या वो उसकी वाइफ है। ज़्यादातर कसूर लड़कियों का ही होता है, मैं ये बात मानती हूँ, चाहे मैं एक औरत हूँ, चाहे कुछ भी आप कह लें कि आप, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना पुरुषों की बहुत फेवर लेते हो। मैंने देखा, मैंने ऐसे ऐसे घरों में जाके देखा कि जहाँ पे
जेंट्स बोलते थे कि मेरी वाइफ में ये कमी है, और वो औरत मान भी जाती हैं आंटियाँ कि हाँ हमें ये कमी है, क्योंकि गुरु जी सामने बैठे हैं, गुरु जी का दरबार लगा होता है, वो उनको मानना ही पड़ता है। कई जगह आदमी होते हैं वो मान जाते हैं कि हमारी गलती है। मैं ये भी कहती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि अगर एक लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर रही या तुम्हें टाइम नहीं दे रही या तुम्हें सुंदर बन के नहीं दिखा रही या तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं कर रही तो तुम अपना एक थर्ड ऑप्शन ढूंढ लो, ये भी गलत है। तुम की थर्ड के पास चले जाओ, ये भी बहुत गलत बात है। तुम कोशिश करो जिसके साथ तुमने प्यार किया, जिसके तुमने शादी की है, उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश करो। उसको अगर वो नहीं समझ रही है तो उसके पेरेंट्स से बात करो, उसकी सहेलियों से बात करो, और कुछ नहीं तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ, उसकी काउंसलिंग करवाओ। ये नहीं कि तुमने अपना एक थर्ड ऑप्शन ढूंढ लिया और तुम चले गए, तुमने तो एक तीसरा पार्टनर ढूंढ लिया कि चलो अब मुझे यहाँ खुशी नहीं मिल रही तो मैं वहां चला गया। यहाँ वो लड़के गलत हैं, बिल्कुल गलत है। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ड्रिंक करते हैं और ताने मारते हैं, हर वक्त टोंट मारते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा होता अंदर से। लड़की उस समय समझ नहीं पाती है। अब वो लड़कियां जो मुझे कॉल करती हैं या मैसेजेस करती हैं, वो ये कहती हैं कि सीधा सीधा एक ही बात कहती हैं रोते रोते कि हमारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आंटी। जब उनसे कारण पूछती हूँ तो वो चुप हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं वो गलत हैं। फिर वो कारण सिर्फ और सिर्फ यही बताती हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है। और यही बात हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि हमें अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को अपना भगवान मानना है, चाहे वो जैसे भी हैं। अगर उन्होंने आपको दो बातें बोल भी दी हैं तो अपनी मम्मी को, जो तुरंत लड़कियां फ़ोन करके बताती हैं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मम्मी जी भी फटाफट शुरू हो जाती हैं, ओहो मेरी बेटी तो इतनी दुखी है, और 10 औरतों से आपस में गॉसिप करती हैं, किट्टी में जाएंगी तो वहाँ बताएंगी, फ्रेंड से मिलेंगी तो वहाँ बताएंगी, सत्संग में जाएंगी तो वहाँ पर जाके बताएंगी, भाई मेरी बेटी तो बहुत दुखी है, उसको तो बहुत परेशान कर रखा है उसके सास ससुर ने। ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता उस बेटी से कि क्या तूने अपने सास ससुर का ख्याल रखा। गुरुजी ने अपने समय में लड़कियों को यही बात सिखाई। संगत जी, जब गुरुजी के पास ऐसी परेशान माएँ आती थी अपनी बेटियों को लेकर कि मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरी बेटी की शादी हुई है, उसका डिवोर्स करा दो गुरुजी, वो बहुत परेशान रहती है, तो गुरुजी एक ही बात कहते थे कि ये तेरे घर में कितने दिन तक, कितने दिन आके रहती है। तो वो बोलती थी कि ये तो मेरे ही घर में ज़्यादा रहती है। तो वो आंटी को गुरुजी कहते थे कि तूने 25 साल 30 साल अपनी बेटी को अपने पास रखा, तू अभी भी चाहती है तेरी बेटी तेरे पास ही रहे। तो वो कहती थी कि मैं क्या करूं, ये बहुत दुखी है, ये रोती है, इसको इसका पति मारता है। मैंने ये पहले भी आपसे संगत जी शेयर किया था, तो गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि कर्म कटवाने बहुत ज़रूरी हैं बेटा, तुम्हें उसी इंसान से अपने कर्म कटवाने पड़ेंगे, तुम्हें वहीं जाके रहना पड़ेगा क्योंकि तुम उस कर्मों से भाग नहीं सकते। आज भाग जाओगे नया कर्म तुम्हारी इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि वो कर्म नए इंसान के साथ फिर तुम्हें कटवाना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि वो नया इंसान भी वैसा नहीं होगा या उसमें कोई कमी नहीं होगी। कई बार मैं मानती हूँ कि इंसान बहुत दुखी हो जाता है तो उसको लगता है कि हाँ, जैसे मेरे साथ ऐसे भी कोई हैं बच्चियाँ जिनको उनके हस्बैंड ने चीट किया, उनकी सारा पैसा ले लिया, उनका सारा दहेज ले लिया, उनकी सारी ज्वेलरी ले ली और उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो क्या कर्म अपने भुगतेंगे वो तो गुरुजी जानते हैं। जो बच्चियों को उन्होंने मतलब बेमतलब ही बाहर निकाल दिया, और सिर्फ इसलिए कि उनकी ईगो और उनकी बहुत मैं थी और वो बहुत अच्छे घर के थे, तो ये चीज़ें जो हैं ये गुरुजी देखेंगे। लेकिन हमें अपना कर्म अपने बच्चों को ये सिखाना है संगत जी कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम उनकी भावनाओं को समझें। तो अभी मैं ना इससे रिलेटेड ना एक मेरे पास सत्संग है। मेरी जब मॉल में एक शॉप थी तो एक बार क्या हुआ कि मैं ना मॉल में बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि मेन रोड पे ना बहुत सारा ना एकदम जाम लग गया है और चिल्ला रहे हैं लोग, और एक ऑटो में एक माँ और बेटी बैठी हुई है, और एक गाड़ी में से ना एक सरदार और 2-3 और उनके बेटे और बड़े सारे बड़े बड़े लोग तलवारें लेकर ना बाहर निकलते हैं उस मेन रोड पे। तो मैं अपनी स्टूडियो से बाहर निकली, मेन रोड पे ही ऐसे निकल के आई, तो मैंने देखा कि एकदम कम से कम 150-200 लोग थे जो तमाशा देख रहे थे, और कोई भी उस आदमी को मना नहीं कर रहा था कि ये तलवार मत निकालो। मैंने ये पहले भी 3-4 साल पहले इसको वुमेंस डे पे मैंने शेयर किया था, क्योंकि ये मेरा जो सत्संग है ये वुमेंस डे वाले दिन ही हुआ था, इसलिए मैं आज आपसे ये सत्संग गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं।
तो तलवार लेके वो बंदा खड़ा है और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा, और वो लड़की और उसकी माँ चिल्ला रही है हमें बचाओ हमें बचाओ, ना कोई पुलिस को फोन कर रहा है ना कोई उन्हें कह रहा है कि ऐसा मत करो, और भीगी बिल्ली बनी हुई वो दोनों खड़ी हैं और चुपचाप सब तमाशा देख रहे हैं। अचानक से मैं वहाँ पे गई भीड़ को हटाते हुए और मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोला, मुझे एकदम ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और मैंने एकदम जाते ही बहुत जोर से मैं चिल्लाई और मैंने बोला कि क्या हो रहा है ये सब, मैंने उस जिसके हाथ में तलवार थी। बाद में मुझे मेरे अंकल ने शाम को और मेरे सारे स्टाफ ने बोला कि मैम आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, आप ऐसे चले गए उसके बीच में और वो आपको तलवार से मार देता। तो मैंने उसको बोला कि क्या कर रहे हो ये, छोड़ो इस तलवार को। तो उस लड़की को मैंने अपने एकदम गले से लगाया और उसकी मम्मी को मैंने अपने साइड में किया। तो मैंने उसको बोला कि किस बात पे तुम इसको मार रहे हो। तो कहता है वो आदमी, क्या कहता है, सरदार किसी गांव का था, पता नहीं कौन था, पठान था, कहता है मैं चाहता हूँ ये मेरे बेटे को तलाक दे, और ये मेरे बेटे को तलाक नहीं दे रही, इसने हमारी जान आफत में करी हुई है, मैं इसको मार के दम लूंगा, मेरे बेटे को छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने रोते रोते बताया कि आंटी ऐसे ऐसे ना, ये ना मेरे को मतलब इन्होंने मेरा सारा पैसा भी ले लिया और मेरे सारा दहेज भी ले लिया, मेरी सारी ज्वेलरी भी ले ली, मैं इसको क्यों डाइवोर्स दूँ, मैं इसको कह रही हूँ मैं तुझे तब डाइवोर्स दूंगी जब तू मेरा सारा सामान वापस करेगा। देखिए यहाँ पर वो लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है, अपनी एलिमनी के लिए लड़ रही है, वो ठीक है क्योंकि उसे वहाँ पे तंग किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी ज्वेलरी सब ले ली गई है, तो वो लड़ेगी, उसका लड़ना जायज़ है। और अगर वो आदमी वो ये कह रहा है कि मैं इसे मार के दम लूंगा, मुझे इससे तलाक चाहिए, तो वो आदमी वहां पर गलत है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा ये जो तलाक वलाक का जो काम है ये तुम कोर्ट में जाके करो, इस सड़क पे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया उस लड़की ने कि हम करनाल में रहते हैं, हमारा डिवोर्स का केस चल रहा है, हम रोहिणी कोर्ट में जा रहे थे और हम ऑटो में मतलब हमने पता नहीं कहाँ से आए, हम बस से आए, कहाँ से आए, वहाँ से हमने ऑटो किया, बस ख़राब हो गई थी आंटी, और ये हमारे पीछे पीछे गाड़ी में आ रहे थे हमारी बस के पीछे पीछे कि आज हम तुझे मार के दम लेंगे। और हमने कहा अगर मारना ही है तो हमें जज के सामने वकील के सामने जाके मारना। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाती हूँ, मैंने ना इधर सोचा ना उधर सोचा, दिमाग तो मेरे में है नहीं, और मैंने 100 नंबर पे फोन डायल कर दिया, संकट जी पुलिस आ गई। लड़की को मैं अपने साइड में खड़ा करके खड़ी हुई थी और सब लोग तमाशा देख रहे और सारे आपस में कह रहे कि पता नहीं इनमें कितनी हिम्मत है, ये तो डरती नहीं किससे। तो मैंने मन में सोचा, मेरे मेरे को गुरुजी ने कहा कि तू जा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा इस लड़की को बचा जाके, मैं देखूंगा कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। अब मैं चली तो गई थी, उस समय मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। अब वो लोग तलवार लेके इधर से उधर ऐसे 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 आगे पीछे घूम रहे, मैंने कहा, मैंने उनको कहा मारना है मुझे मारो, आओ मारो मुझे, पहले मेरे पे तलवार चला के दिखाओ, इस लड़की पे चला रहे हो तलवार, ये बेचारी बोल नहीं रही तुम्हारे सामने। तो पुलिस आई तो पुलिस ने मुझसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ मैम क्या हुआ, तो मैंने उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा चलो आप सब दोनों लोग थाने चलो। तो उन गाड़ी में बिठाया उस लड़की को और उसकी माँ को, बोला कि तुम डरो मत हम तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और उसको गर्दन से पकड़ा, जिसके हाथ में तलवार थी उसको भी अपनी गाड़ी में डाला, दूसरी जिप्सी में डाला, और मुझे कहने लगे कि आप भी चलो। मैंने बोला कि देखिए मैं तो मेरे ना एकदम माइंड में पता नहीं क्या आया, तो मैंने एकदम से मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला, जबकि सामने मेरा स्टूडियो था और किसी ने मुझे वहाँ से निकलते हुए नहीं देखा था, और अचानक मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला। और मैंने उनको बोला कि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से जा रही थी और मैंने देखा कि ये भाई ऐसे ऐसे ना ये लोग इसको मार रहे हैं, तो मैं रुक गई, तो मुझे तो अपने बहुत ज़रूरी काम पे जाना है, ये मेरा फ़ोन नंबर है आप ले लो, और अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। और मैंने ना चुपचाप ना उस लड़की मतलब उस लड़की को बोला कि ये मेरा बेटे फ़ोन नंबर है, तो कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर ले। अब संगत जी मैं अपने स्टूडियो में वापस आ गई, तो मैं तो भाई आके हमने ऐसे ही कस्टमर वगैरह बैठे थे, हमने उनसे बातचीत की कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो सारे हमारे मॉल वाले लोग कहने लगे भाई बड़ी ब्रेव है ये, तो डरती रही है किससे भाई। तो मैंने कहा, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी आज तो आपने मेरे से घर बैठे सेवा ले ली। अब मैंने इसका अंजाम तो सोचा नहीं था क्या होगा। तो संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही ना, 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आता है एक लड़की का, और वो मुझे कहती है कि आंटी अभी अभी मैं आपसे बात हुई थी ना, हम अभी तक थाने में बैठे हैं, इन्होंने तो हमें थाने में बिठा रखा है, और वो जो तलवार लेके आए थे ना मेरे ससुर जी और मेरे पति, उन्होंने तो इनको पैसे खिला दिए और वो तो चले गए यहाँ से और हमें नहीं जान दे रहे, आप कुछ करो।
मैंने क्या किया था संगत जी, उस समय मैंने उनको डराने के लिए ना उन सबको ये बोला था। वैसे तो मैं एनजीओ चलाती हूँ, मेरा एक ट्रस्ट भी है, तो मैं गर्ल्स के लिए बहुत काम करती थी और मैं क्राइम ब्रांच में भी जाके ना थोड़ी काउंसलिंग करती होती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो क्राइम ब्रांच से जुड़ी हुई हूँ और मेरा एनजीओ भी है, मैं तुम्हें अच्छे चने याद दिला दूंगी, तुम ना बिल्कुल इसको कुछ मत बोलना। अब उस लड़की ने कहा कि आपका तो मतलब एनजीओ है, तो मैं ना एकदम से डर गई, कहती आप तो आ जाओ मैम, आप आ जाओ, हमें यहाँ से छुड़वाओ। मैंने कहा बेटे आप ना खुद ही बात करो, मैं तो बहुत दूर चली गई हूँ, मैं तो यहाँ हुई नहीं, मैं तो चांदनी चौक में रहती हूँ। मैंने उसको झूठ बोल दिया, क्योंकि संगत जी मैंने उस समय थोड़ी डर गई थी और ये बात ना मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी फ़ोन करके। तो मेरे अंकल ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बोला कि तू वहीं पे एक टेबल लगा के बैठ जा बाहरी सड़क के ऊपर ही, और तू कर काउंसलिंग, लोगों की सेवा कर अच्छे से, तुझे पता चलेगा जब तुझे उठा के ले जाएंगे। मैंने तो अंजाम सोचा नहीं। तो संगत जी जैसे उस लड़की का मैंने फोन रखा, तो मैंने बाहर झांक के देखा, तो वो जो तलवार वाले बंदे थे, जो सरदार लोग थे, वो हमारे मॉल के बाहर ऐसे राउंड से चबूतरा बना हुआ था, वहां पे ना एक रेस्टोरेंट भी था ओपन में, वहां पे घूम रहे थे और लोगों से ना मेरे बारे में पूछ रहे थे। और मेरा जो शीशा था बिल्कुल हमारी फ्रंट पे ही, नेल आर्ट की शॉप थी, तो जो मेरा मिरर था तो उसमें से ना बाहर मुझे दिखाई देता था पर उनको अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, वो ब्लैक शीशा था। तो अब ना मेरा रास्ता अंदर से भी था, हमारी टू साइड ओपन शॉप थी, और बाहर से भी था। तो मैं तो इतनी घबरा गई, तो मैंने अपने स्टाफ से बोला कि ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, तू जरा देख के आ। तो वो बाहर गया चुपचाप, तो उसने पूछा भी क्या हुआ, तो कहने लगे यहाँ पे ना एक मैडम आई थी, उसने ऐसे वो येलो कलर की लॉन्ग सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो आके ना हमें धमकी दे गई थी, हम उसको ढूंढ रहे हैं। भाई संगत जी मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए, मैं इतनी जो बहादुर बन रही थी, और मैं ना पीछे के दरवाजे से निकल के मॉल के अंदर चली गई, और पहले तो मैं वॉशरूम में जाके छुप गई और बड़ी देर तक मैं उसमें छुपी रही। मैंने वहाँ से फ़ोन किया अपने अंकल को, मेरे अंकल कहीं गए होते मीटिंग में, मैंने कहा आप अभी आ जाओ। तो मेरे अंकल कहते हैं मैं नहीं आऊँगा बिल्कुल भी, पंगा तो तूने लिया, अब तू ही निपट, तेरे गुरु जी हैं वही निपटेंगे। अब मैं मंत्र जाप करी जाऊँ, मैं गुरु जी मुझे बचा लो, गुरु जी मुझे बचा लो, ये लोग तो मुझे ढूंढ रहे, तो मॉल के अंदर आ गए हैं। मेरे लड़के ने स्टाफ ने फ़ोन किया कि मैम वो तो मॉल के अंदर आके आपको ढूंढ रहे हैं। तो ऊपर ना हमारा ही उनका ही एक सलोन था जो हमारा नेल स्टूडियो था, तो वो स्टाफ सारा बहुत इज्जत करते थे वो सर भी, और मैं उनके ना उसमें चली गई और अंदर जाके ना फेशियल वाले रूम में बैठ गई। मैंने उनको बोला कि यहाँ कोई आए ना मेरे बारे में पूछे तो आप बताना मत। तो संगत जी मैं ना ऐसे ही करते करते ना मुझे शाम हो गई, 4 साढ़े 4 बज गए। तो अब जब मैं उन्होंने कहा, मेरे स्टाफ ने कहा कि 2-3 घंटे वो यहाँ बैठे रहे, जब उन्हें आप नहीं मिले ना तो वो सबसे इधर उधर पूछते रहे दुकान वालों से, वो चले गए। मैंने कहा गुरु जी उनको भेज दो मेरे बारे में कोई ना बताए। तो मेरे को दुकान शॉपकीपर ने कहा सबने कि हमने उनको आपके बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपने तो एक सेवा की थी बच्ची की। तो संगत जी फिर ना मैं नीचे आई तो मैं बहुत डर गई। तो मेरा बेटा है जो साहिब है, छोटा था उस समय, तो एकदम से मेरे को कहता है कि मम्मी अब ना आप 1 महीने तक ना अपने स्टूडियो में मत जाना, क्योंकि वो रोज़ आएंगे, अब ना वो आपको रोज़ आके ना ऑब्जर्व करेंगे। और मुझे ना स्टाफ ने भी डरा दिया, मैं अपनी गाड़ी भी बाहर खड़ी करती थी, अब मैं इतनी डर गई थी, मैंने सोचा कि मैं गाड़ी ना पार्किंग में खड़ी करा करूँगी। नेक्स्ट डे ना मतलब उस दिन मैं सोई और मैं पूरी रात में सो नहीं पाई। मैं गुरु जी को ये कहती थी हाय गुरु जी मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं घर में बैठी रहूं, ये लोग तो मुझे मार ही देंगे, क्या करेंगे, ये तो तलवारें लेके आ गए हैं। तो मेरे को विजन में सपने में गुरु जी आए और मुझे गुरु जी ने बोला कि तेरी ना मैंने सेवा लगाई थी ये, और तू, मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी अगर आप मतलब मेरे साथ हो और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ मत कहना, बस मुझे अपने दर्शन देना और एक सेकंड के लिए बस आप आ जाना। और गुरु जी ने दर्शन के साथ साथ मुझे विजन में कहा कि तू क्यों डरती है, जब तू उस लड़की के लिए हेल्प करने के लिए तुझे जब मैंने बाहर भेजा मैं तब भी तेरे साथ था, और जब तू उसके लिए लड़ रही थी मैं तब भी तेरे साथ था, और जब तूने पुलिस को बुलाया मैं तब भी तेरे साथ था, वो सब मैं ही करवा रहा था, तू कुछ नहीं कर रही थी, और जब तू डर के मारे छुप गई थी वो भी मैंने ही करवाया था, ये तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया मैंने, कि ये तेरे को भी मार सकते थे ये लोग, पर मैंने तेरा ये कष्ट काट दिया, तू डर मत, तू अपने जा ऑफिस जा अपना काम कर, तुझे ये कुछ नहीं कहेंगे, ये नहीं आएंगे। और मैंने गुरुजी को पूरी रात मंत्र जाप किया और मैंने कहा गुरुजी बस इतना कर देना कि मैं इतनी घबरा गई हूँ, ये तो मैंने कर दिया आपकी सेवा समझ के, मैंने ना सोचा ना समझा और मैं जाके लड़ पड़ी।
पर अगले दिन मुझे जान से कोई मतलब नहीं कि मेरी जान चली जाए, पर इस तरीके से मुझे तलवारों से कोई आके मार दे तो वो भी, मैं इतनी तो मैं महान हूँ नहीं, मैं डरती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी बस इतना कर देना कि वो ना कल से ना मुझे बंदे यहाँ नज़र ही ना आए। और मैंने उस लड़की का जो फ़ोन आया था ना संगत जी, मैं सच्ची बताऊँ मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, मेरे हस्बैंड ने उसको ब्लॉक करवा लिया था। और फिर मुझे गुरु जी ने कहा कि मैंने उस लड़की को बोला था कान में धीरे से कि तू बेटा मंत्र जाप करती रही हो, ये ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप है, इसको बोलती रहे, गुरु जी तेरा साथ देंगे। तो मुझे फिर गुरु जी ने उस दिन रात को आका कि तेरे साथ भी मैं था और उसके साथ भी अब मैं ही हूँ, मैं अपने आप देख लूँगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। और संगत जी उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत आई, जब मैं सो के उठी तो मैंने थोड़ी सी मेरी अमृत वेला मेरी नींद खुली और मैं बिना डर के उस दिन घर से निकल पड़ी। और मेरा बेटा और मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि मत जाओ आज, तो वो फिर तुम्हारी ताक में खड़े होंगे, देखना अभी वो 10 दिन तक ऐसे ही आते रहेंगे, ये जो होते हैं ना जाट बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बदला ज़रूर लेंगे तुमसे अपना, क्योंकि तुमने इनको पुलिस में बंद कराया। पर मैंने कहा, मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। और मैं गई संगत जी अपने स्टूडियो में, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं थोड़ा डर गई थी, और जाते ही मैंने अपना मंत्र जाप चलाया, शुक्राना चलाया, जोत जगाई अपने स्टूडियो में, और मेरी निगाहें बस बाहर ही पूरा दिन लगी रही, मैं बाहर नहीं निकली एक मिनट के लिए भी, पर वो लोग नहीं आए। उस दिन के बाद वो कभी नहीं आए वहाँ। तो ये मतलब लड़कियों को थोड़ा ब्रेव भी होना चाहिए, कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम उसको सही जा रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो और वो फिर तुम्हें मार दे जान से, वो भी गलत है। हाँ, लेकिन लड़कियों को एडजस्ट करना हमें ज़रूर सिखाना चाहिए कि वो एडजस्ट करें। पहले कोशिश करनी चाहिए हर रिश्ते को बनाने की, ना कि उसको ख़त्म करने की, तोड़ने की। आज एकदम से रिश्ते बनते हैं संगत जी, एकदम से टूट जाते हैं, ऐसे बनते हैं और ऐसे एकदम डिवोर्स। अभी मैं क्या बताऊँ, एक और हमारी जानकार हैं, आंटी हैं, संगत आंटी हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये भी नहीं बताऊँगी वो कहाँ रहती हैं। वो अपने बेटे के लिए कई सालों से रिश्ता ढूंढ रही थी, शायद 32-33 ईयर का उनका बेटा हो गया था, और इतना सीधा था, इतना सीधा, इतनी अच्छी वो आंटी, कि मैंने भी सोचा कि कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं भी इनको ज़रूर बताऊँगी कि वो लड़की इनके घर में बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। संगत जी मुझे नहीं पता कब उस लड़के की शादी हुई, ये पता था उसकी शादी होने वाली थी दिसंबर में, एक महीना भी नहीं हुआ, दिसंबर में शादी हुई, न्यू ईयर आने से पहले पहले दोनों का डिवोर्स हो गया। अब मैं तो उनको पूछा नहीं, क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्यों हुआ, हो गया तो हो ही गया। कहाँ हमारे अंदर कमियाँ हैं, कहाँ हमारे संस्कारों में कमियाँ हैं कि हम या तो डिवोर्स ले लेते हैं या लड़के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल जाते हैं, कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं और लड़कियाँ उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे होंगे भी तो वो क्या सीखेंगे जिस घर में माहौल इतना ख़राब है। तो मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, अपने बच्चों को शुरू से आदत डालिए, अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें अमृत वेला में उठाइए, उन्हें उस अमृत वेला का अमृत पान कराइए, ताकि वो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आए मंत्र जाप करने से। जब वो मंत्र जाप करते हैं उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है और उनके अंदर मतलब कि इतनी पावर आ जाती है, गुरुजी उनको एक पावर देते हैं, अनजानी सी शक्ति दे देते हैं कि वो हर दुख से लड़ना सीख जाते हैं। फिर उनको अपना दुख दुख नहीं लगता, वो कभी भी किसी की बात से हर्ट नहीं होती लड़कियां, ना वो कभी नेगेटिव होती हैं, और वो उनको उनको लगता है हमारे साथ तो गुरुजी हैं। तो एक और भी ऐसा सत्संग है, चलिए मुझे अभी याद आया, ये भी बेटी के ऊपर ही है, मैं अभी आपको सुनाती हूँ। आपके पास समय है तो यस लिख दीजिए। संगत जी आप सत्संग सुनना और चाहते हैं, हैप्पी वुमेंस डे। अभी ये जिसने नहीं सुना, जो देर से आए हैं, वही सत्संग को दोबारा सुनेंगे और शेयर करेंगे। जैसे होता है ना, गुरुजी ने खड़ा कर दिया कि चल तू चैप्टर सुना, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे गुरुजी प्रिंसिपल हैं और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, ये समझ लो मॉनिटर बना दिया उन्होंने मुझे, और कहा तू खड़ी होकर चैप्टर सुना, और चैप्टर सुनाया और उसको आगे शेयर करना, उस चैप्टर को दोबारा से आगे सुनना, बार बार सुनना और आगे बताना, ठीक है। यस मैं भी सुनाती हूँ आंटी। अमृत वेला के लिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अमृत वेला के लिए आप मेरा पार्ट नंबर 81 सुन लें, बुलबुल आंटी सत्संग में पार्ट नंबर 81, उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है,
पर लोग मानते नहीं है, फिर भी फोन करते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि मुझे वॉइस मैसेज भेज दो या मुझे मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो। फोन नहीं उठा पाती संगत जी मैं, पर फिर भी जैसे ही अभी सत्संग खत्म होगा, देखिएगा इतने आज फोन आएंगे ना, बड़ी प्यारी संगत है गुरु जी आपकी, ना मानती नहीं है ये। तो संगत जी ये सत्संग है एक ऐसी बिटिया का, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की ही बाणी में है और गुरु जी के टाइम की ही एक लड़की है जो अपने घर में हमेशा से अमृत वेला करती थी। बचपन से उसको आदत थी अमृत वेला करने की। अब आप बताइए, आप सोचेंगे कि जो बच्ची बचपन से अमृत वेला करती है उसको क्यों दुख मिल रहा है, उसके साथ क्यों कष्ट आ रहे हैं, उसके साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी एक ही बात कही ना, कर्म कटवाना, कर्म कटवाना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे कर्म जो हैं वो 90% तो गुरुजी ने काट दिए, कष्ट 10% रह गए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब उन कर्मों को कटवाने का के लिए गुरुजी ने कुछ हमें ऐसे लोग दे दिए, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई मदर इन लॉ, कोई देवरानी, कोई जिठानी, कोई भाई, कोई पापा, कोई मम्मी, कोई दोस्त, कोई संगत, कोई सेवादार, कुछ भी दे दिया कि जो हमारे कर्म कटवाने में हमारी हेल्प करते हैं और वो हमें तंग भी करते हैं, दुखी भी करते हैं। पर अगर हमारे हम अच्छे कर्म बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो हमारे को हम उसको भी ना अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। जब उस लड़की की शादी के लिए बातचीत हुई, एक बहुत अच्छे और अमीर घराने में उस लड़की की शादी की बात हुई, लड़की ने कहा कि मेरे पापा जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पे मैरिज कर लूँगी। शादी फिक्स हो गई, 3 दिन रह गए शादी में संगत जी। 3 दिन पहले अचानक से लड़के के गांव से, कोई उसके पिंड से, कोई एक बहुत ही क्लोज लड़की वालों का इंसान आता है। वो आके लड़की के फादर से कहता है कि तुम जिस घर में अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, वो लड़का तो दारू पीता है, सट्टे खेलता है, सारा दिन जुआ खेलता है, तुमने उसकी इंक्वायरी नहीं करी। तो उन्होंने कहा हमने इंक्वायरी तो की थी, हमें तो पता चला कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई ऐब ही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तो उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ, जब मुझे पता चला कि तुमने इसकी शादी वहाँ पे कर दी है, करने लगे हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया, तुम इसकी शादी वहाँ से तोड़ दो, वहाँ मत करो। अब फादर बड़े पसोपेश में पड़ गए कि क्या करूँ मैं। अब बेटी सुन रही थी, बेटी को अपने गुरु पे बहुत भरोसा था। देखिए यहाँ बात है विश्वास और भरोसे की संगत जी। उस बेटी को अपने गुरुजी पर बहुत भरोसा था, जिनका वो मंत्र जाप रोजाना करती थी, वाहेगुरु का सिमरन करती थी और अमृत वेला करती थी। उसके फादर कहते हैं कि पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी और क्या जवाब देंगे, 3 दिन के बाद शादी है, इतना सारा सामान हम लड़की लड़के वालों को दे भी चुके हैं और मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ और मेरी बेटी का दिल भी टूट जाएगा। तो उस अंकल ने कहा कि बाद में दुखी होने से अच्छा है तुम आज थोड़ा सा रो लो। अब लड़की सारी बातें सुन रही थी, लड़की ने अपने फादर को जाके कहा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उस लड़की ने ये कहा कि पापा आप जहाँ पे मेरी शादी कर रहे हो आप वहीं मेरी शादी करो, आपको अगर मेरे मेरे गुरुजी पर भरोसा नहीं है पर मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने मेरा बंधन उस घर में बांधा, जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं ये रिंग पहन चुकी हूँ, जहाँ जिन जिनके माता पिता को मैं आज अपना माता पिता मान चुकी हूँ, उस घर में जाने से पहले ही मैं उस घर की हो चुकी हूँ, मैं उसी घर में जाऊँगी। और मेरी किस्मत, अगर वो शराब पीता है, मारेगा मुझे, जुआ खेलता है, पैसा बर्बाद करता है, तो मेरी किस्मत को तो आप नहीं बदल सकते पापा, कि कहीं और अगर आप मेरी शादी करोगे और वहाँ भी अगर ऐसा लड़का निकल आया तो क्या आप मेरी शादी कभी नहीं करोगे। फादर के दिल को बात बहुत ज़्यादा लग गई, मम्मी नहीं मानी पर फादर मान गए। उन्होंने कहा ठीक है मेरी बच्ची, जैसे तेरे को अपने गुरु पे इतना भरोसा है तो मैं तेरी शादी उसी घर में आज कर दूंगा। संगत जी उस लड़की की शादी हो जाती है 3 दिन के बाद। अब वो लड़की उस घर में जाती है और पहली रात उसका हस्बैंड शराब पी के आता है, खूब नशे में धुत आता है और उसको कुछ खरी खोटी सुनाता है और सो जाता है। पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स बहुत भगवान को मानने वाले होते हैं और वो शुक्राना करते हैं भगवान का कि इतनी अच्छी बहू हमारे घर में आई है। और वो लड़की प्रॉमिस करती है अपने माता पिता से, अपने ससुराल वालों से कि आप चिंता मत करो, मेरे गुरु जी बैठे हैं ना, जो मैं अमृत वेला बचपन से करती आई हूँ, मेरा अमृत वेला इसको एक दिन मेरे गुरु जी से जोड़ेगा और ये सारे ऐप छोड़ देगा।
अब संगत जी लीला देखिए गुरु जी की कहाँ से शुरू होती है। वो लड़की को उसके मम्मी पापा अगले दिन पगफेरे में लेके जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तेरे साथ क्या हुआ। उस लड़की ने अमृत वेला करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, सिमरन करते हुए की बात सीखी थी कि मुझे किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी, मुझे नेगेटिविटी नहीं बिखेरनी है। उसने जाके झूठ बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार किया और वो आज ड्रिंक भी नहीं करके आए थे और उन्होंने ही आज मेरे कपड़े निकाले हैं और मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। बहुत खुश हो गए माता पिता, उनके दिल से एक भार उतर गया। पर अब ये रोज़ का काम होने लगा। उस लड़की ने अगले दिन सुबह जब वो उठी थी, उसने अपने हस्बैंड को बस एक ही बात बोली, संगत जी वो सुनने वाली बात है। उस लड़की ने अपने पति से कहा, जब उसका नशा उतर गया, कि आप जो मर्जी करो, आप ड्रिंक करो, आप जुआ खेलो, आप सट्टे खेलो, आप देर से घर आओ, पर मेरी एक बात बस मान लो। उसने कहा, क्या तू मुझे रोकेगी तो नहीं? कहती, नहीं कभी नहीं रोकूंगी। तो उसने कहा कि कभी लड़ेगी भी नहीं? नहीं लड़ूंगी। मैं चाहे देर से आऊं, हाँ जी आ जाओ। मैं चाहे शराब पी के आऊँ, हाँ जी। मैं तुझे मार भी दूँ कभी, कोई बात नहीं, आप मेरे पति हो। उसने कहा, बता फिर तेरी क्या शर्त है? उसने कहा, बस मेरी एक शर्त है कि मैं सुबह रोज अमृत वेला करती हूँ और आप ना मुझे कभी भी अमृत वेला करने से ना मना नहीं करोगे। बस हस्बैंड कहता है, इतनी सी बात है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो नशे में धुत रहता हूँ, सो जाता हूँ रात में, उठ जा कर ले, मेरे को तो कौन सा डिस्टर्ब कर रही है, मैं तो वैसे भी नशे में रहता हूँ। अब लड़की को तो मिल गया एक खजाना गड़ा हुआ, उसको तो और हिम्मत आ गई कि भाई जहाँ उसके माँ बाप इतने परेशान हो रहे थे और वहाँ पे वो लड़की को वो उसने हाँ कर दी कि तो अमृत वेला कर। अब लड़की का एक नियम बन गया, उसने अपने घर के जो मंदिर बना हुआ था उसमें वो रोज आना सुबह जाके बैठ जाती, 3-3:30 बजे नहा धोकर जोत जगाती थी और अपना मंत्र जाप करती और अमृत वेला करती थी। अब धीरे धीरे उसकी जो मम्मी पापा थे वो भी थोड़ा जल्दी उठते थे, तो उन्होंने देखा कि लड़की बैठती है तो वो भी धीरे धीरे उसके साथ आके बैठना शुरू हो गए। अब देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स उनके घर में आनी शुरू हो गई कि तीनों लोग अमृत वेला करने लगे और वो लड़की बड़े अच्छे से बाद में चाय बनाती, भोग लगाती, मम्मी पापा को पिलाती, खुद भी पीती और वो जो जल रखती थी ना वो जल अपने हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा देने लगी। वो जो जल रखती थी उसको नेक्स्ट डे उठाती और उसको उसके खाने में मिला देती, उसकी पानी में, उसकी चाय में मिला देती थी। एक दिन उस लड़की के मन में आया, उसको गुरुजी ने एक थॉट दिया। उसने क्या किया कि उसकी जो ड्रिंक की बॉटल पड़ी हुई थी ना संगत जी, उसने ना वो जल उस बॉटल में ही मिला दिया। बड़ी सच्ची कहानी है, सच्चा सत्संग है ये, मैं नाम नहीं शेयर करूँगी आपसे और मैंने इसको बहुत बार पहले भी शेयर किया, शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। वो जल में इतनी शक्ति थी उस दो बूंद जल में कि जब रात को वो लड़का दारू पीने लगा उसके सारे के सारे केंद्र यहां से चक्षु खुल गए, ये बंधन सारे उसके टूट गए, सारी नेगेटिविटी उसकी बाहर निकल गई उस अमृत को चखने से। और उसने उस दिन जो वो इतनी सारी दारू पीता था उसने सिर्फ छोटा सा एक पैक पिया और उसने अपनी वाइफ से बोला कि पता नहीं आज ना मेरा मन ना कुछ अच्छा नहीं है। वाइफ को तो पता था, आंटी को तो पता था कि मैं क्या गुरुजी लीला रच रहे हैं और गुरुजी पे भरोसा था उसे बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा, मुझे नींद आ रही है, तू ना मुझे थोड़ी चाय बना के दे। चाय बना के दिया, खाना दिया, वो सो गया। अगले दिन वो लड़की जैसे एज यूजुअल अपना अमृत वेला करने बैठी, मम्मी पापा आके बैठ गए, जाप करा उसने 1 घंटा 9 मिनट का, संगत जी क्या गुरुजी ने उसको दात बख्शी कि मैं आज मैंने सोचा था कि मैं आज बिल्कुल नहीं रोऊंगी पर ऐसा सत्संग सुनाते हुए मेरी आंखें सच में भीग जाती हैं कि मैं जब भी पहले सुनाती हूँ तो मुझे अपने गुरु पे इतना प्यार आता है, इतनी ममता आती है, इतना दुलार आता है, इतना लाड आता है ना कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे गुरु जी महाराज इस जाप से, इस अमृत से क्या क्या कर देते हैं। तो वो लड़की ने जैसे ही आंखें खोल के मत्था टेक के पीछे मुड़ी तो उसने क्या देखा संगत जी कि उसका जो हस्बैंड जो शराब पी के देर से सो के उठता था वो अमृत वेला में उसके साथ पीछे बैठा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
ये है अमृत वेले की दात। और वो बैठा हुआ था और उसे कहता है कि आज मैं भी चाय पीऊंगा। और लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे मेरी आंखों से भी बह रहे हैं। वो लड़की रोने लगी गुरु जी महाराज जी के आगे कि क्या हो गया ये, पर उसे पता था। और माँ बाप भी रोने लगे और उसके पेरेंट्स ने उस लड़की के चरणों में गिर गए। और वो लड़का कहता है उस दो बूंद अमृत ने उसका किया हुआ, ऐसे नहीं कि आप गुरुजी के आगे एक बॉटल में अमृत रख दो, जल रख दो तो अमृत बन जाएगा। कई लोग बहुत सोचते हैं ऐसा, हमने एक दिन जाप कर लिया अमृत बन गया ना। देखिए उस लड़की का बचपन का किया हुआ जप तप काम आया उसके, जो वो बचपन से अमृत वेला करती थी ना, तो वो शक्ति आई उसके अंदर कि उसके पति को बदल दिया। अब कई लोग हैं मुझे बोलते हैं, बच्चियां बोलती हैं हम 4 दिन हो गए हम अमृत वेला कर रहे हैं, हम 40 दिन हो गए अमृत वेला कर रहे हैं, हम वो जल पिला रहे हैं। देखिए कितना जप तप हमें करना पड़ता है संगत जी। किसी किसी के कर्म जल्दी कट जाते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, किसी के कर्म थोड़ा देर से कटते हैं। तो जब तक आपको वो दात ना मिले ना, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो, करते रहिए। और मैं तो ये कहती हूँ सारी जिंदगी करते रहो, कभी बंद ही मत करो अमृत वेला। कोई आपको कुछ भी कहे ना, आप एक बार जरूर उठो अपने महाराज के साथ, गुरु जी के साथ बैठो, मंत्र जाप करो, जोत जगाओ, उस शक्ति को पहचानो, उस शक्ति को प्राप्त करो, उस जल में आएगी वो शक्ति, उस अमृत बन जाएगी। और फिर उसके बाद उस जल को अगले दिन बॉटल में भर के उन बीमार लोगों को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट के दुखी लोगों को दो, और उनके थॉट चेंज हो जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैंने अभी बात की ना, वो जो लड़के दूसरी लड़कियों के साथ में लग जाते, उनको भी वो जल पिलाओ। और जो लड़कियां सोचती हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमारी नहीं बनती, उनको भी वो जल पिलाओ, वो लड़कियां खुद भी पिए। तो वो माता पिता ने उसके चरण पकड़ लिए कि ऐसी बहू, और पूरे गांव में पूरे पिंड में चर्चे होने लगे कि ये लड़की ने अपने अमृत वेला से हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। संगत जी उस दिन के बाद उस अंकल ने शराब की सारी बोतलें बाहर फेंक दी, अपना समय पे घर आने लगा, अपनी पत्नी को प्यार करने लगा, काम पे जाने लगा, और उनके बहुत सुंदर सुंदर दो बच्चे हुए। वो बहुत ब्लेस्ड हैं, आज भी हैं वो बच्ची। और वो उनका जो हस्बैंड है वो इतना पक्का गुरु जी का फॉलोअर्स है कि वो उससे ज़्यादा गुरु जी की भक्ति करता है, वो सेवा करता है और वो अमृत वेला करता है। तो देखिए उस लड़की का विश्वास कितना बड़ा था संगत जी, कि जिसको कहा गया था कि तू इस पति के साथ नहीं रह सकती है, ये तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। तो आप मुझे बताओ कि आज वुमेंस डे पे ये प्रॉमिस करें सारी माएँ, सारी बेटियाँ, सारी आंटियाँ, सब बच्चे कि हम पेशेंस रखेंगे और हम अपने गुरु पे भरोसा रखेंगे, हम अपने गुरु जी के ऊपर विश्वास रखेंगे कि अगर हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं तो हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे और हम अपने अमृत वेला संभालेंगे, अमृत वेला करेंगे और उस जाप की शक्ति को पहचानेंगे, उस जाप से जल को ब्लेस कराएंगे और उसको पिलाएंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स हो रहे हैं और ये लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कष्ट है घरों में, प्रॉब्लम्स हैं, सास ससुर से नहीं बनती है, प्यार नहीं मिलता एक दूसरे से, वो सब के सब ठीक हो जाएंगे सारे। दोबारा मैं कहती हूँ गुरु जी मेरी ये सेवा है कि इस दुनिया में मैं कभी रहूँ या ना रहूँ, पर इस दुनिया में जाने से पहले मैं थोड़ा सा सतयुग ले आऊं आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। जो आपने ठाना था इस दुनिया में गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ मैं कल्याण करने आया हूँ, और वो कल्याण ही आज तक कर रहे हैं और वो सेवा बख्श रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, औरों से भी करवा रहे हैं, अपने सत्संग सुनवा रहे हैं, अपनी महिमा का गुणगान करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा सतयुग को लेकर आओ, वापस लेकर आओ, ये कलयुग का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें संगत जी गुरु जी मिले हैं इस जीवन में, हमें बहुत प्यारे गुरु जी मिले हैं, इन्हें संभाल लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए, हम इनकी कदर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे गुरु जी को, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आजकल हर जगह इतना बड़ा बड़ा फूलों का दरबार लगाते हैं। देखिए मेरे कमरे में कितने सारे स्वरूप हैं गुरु जी के, कितने सारे हैं, मैंने कहीं भी कोई फूल नहीं लगा रखे। और जहाँ मैं जाती हूँ ना संगत जी, दरबार लगे होते हैं, पीछे फूलों की डेकोरेशन, आजकल ये ट्रेंड हो गया है, देखा देखी 10-10 15-15 हज़ार के पूरे दरबार लगाए जा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात, चलिए आपने दरबार लगा लिया, आपको पैसे हैं, आप उसे कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, अगले दिन या उसी दिन वो फूलों वाला उस दरबार को ले जाता है और अगले दिन वो फूल सारे फेंक देते हैं। वही 15,000 रुपये का आप संगत के, ऐसी संगत को दे दो कि जिसको ज़रूरत है, या ऐसे गरीबों को खाना खिला दो, या ऐसे जो तन ढकने के लिए जिनके पास कपड़े नहीं हैं किसी आश्रम में चले जाओ, उस पैसे को वहाँ पे यूज़ कर दो। बीमार लोग हैं, पड़े हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अब उनके ऊपर खर्च कर दो, उनको दवाइयाँ ला दो। मैं ये नहीं कहती उन्हें पैसे दो, पैसे तो देने ही नहीं चाहिए। अपनी मेड्स को फ्रूट ला दो, उसके घर का राशन डाल दो उस पैसे से। आप ये हम नहीं कर पाते, यहाँ करने के लिए ना हमारी ईगो बड़ी हर्ट हो जाती है। वो क्यों, लोग आएंगे, मुझे तो गुरु जी का दरबार दिखाना है, क्योंकि मैं तो अपनी फ्रेंड के घर में गई थी, वहाँ तो बड़ा सुंदर दरबार था, वो सोचेगी इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, तो सिंपल सा सत्संग करके बैठ गई है। आप सोचिए उस 15,000 से जो हमारी मेड्स 3-3, 4-4 हज़ार रुपये घर से कमाती हैं, 7-8 हज़ार में उनकी पूरी रोटी चलती है, आप 2 मेड का पूरा 2 महीने का 3 मेड का राशन डाल सकते हो उसी दरबार के पैसों से, है ना। और फिर चलो दरबार भी लगा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं ये काम, उसके बावजूद वो आज क्या कर रहे हैं, जो गुरु जी का जैसे ये स्वरूप लगा हुआ है, ठीक है, समझिए बड़ा स्वरूप है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुके बांधा जाता है तारों के साथ में, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुके बांध दिया जाता है तारों के साथ में, और एक यहाँ पे बांध दिया जाता है, और गुरु जी का चेहरा इतना सा उसमें से दिख रहा होता है, और उनके सर के ऊपर इतने बड़े बड़े फूल हो, और फूल भी क्या, पीछे ये यहाँ से तारों से बांध बांध के और दरबार के सोफे के पीछे ऊपर लटका दिया जाता है। यूँ झूला झूल रहे हैं गुरु जी, अब स्टैंड पे नहीं रखा, ना दीवार पे लगाया सब रूप। मैं कई जगह जाती हूँ और मैंने वहाँ जाके खुद मैंने वो ऊपर से फूल उतार के फेंक दिए। मैंने कहा मेरे गुरुजी का सर दर्द हो रहा है भाई, जब गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं, आज जिंदा है गुरुजी, लाइव फॉर्म में है ना, तो तुम गुरुजी के ऊपर कैसे फूल लगा सकते हो। मुझे बड़ा कई बार गुस्सा आता है, मैं फिर भी मुस्कुराते हुए उनको कहती हूँ कि अगर तुमने ये फूल इनके सर पे लगाए हैं तो तुम यहाँ जब सत्संग में बैठोगे तो मैं यहाँ से एक बड़ा सा बुके लेके तुम्हारे सर के ऊपर रख दूंगी। मैं सही कहती हूँ कि नहीं बताओ, गलत कहती हूँ? हमारे सर पे कोई एक बुके रख दे कैसा लगेगा, हमें बैठ सकते हैं हम सत्संग में? गुरु जी के सर पे बुके रख देते हो, तारों से बांध देते हो पीछे से उनको, अरे क्यों, उनको एक दुपट्टा लगा दो, और ज्यादा ही है तो एक माला लेके एक साइड में लगा दो, या रजनीगंधा के जो माला आती है ना पतली पतली हल्की हल्की, उसमें खुशबू भी आती है, नीचे गुलाब के फूल लगे होते हैं, दो चार माला एक साइड में लगा दो, इधर दुपट्टा लगा दो। आपको इतना क्या प्रेम आ रहा है अपने गुरु जी पे कि उनको फूलों से ढक रहे हो? और नहीं तो क्या करते हैं कि अंदर स्वरूप के अंदर आजकल लाइटें लगानी शुरू हो गए हैं। कौन कर रहा है ये? जब आपको बड़े मंदिर से स्वरूप मिलता है तो आपको कभी स्वरूप फ्रेम करा हुआ नहीं मिलता है ना, आपको फोल्ड करा हुआ एक पेपर स्वरूप मिलता है, आप उसे अपने हिसाब से फ्रेम कराते हो। आप मेरे कमरे में स्वरूप देखिए, मैंने कभी भी स्वरूप जो मुझे मिले हैं मंदिर से मिले हैं, मुझे किस संगत ने दिए हैं, पर मैंने इनके ऊपर कभी भी महंगे महंगे फ्रेम नहीं कराए, ना मैं इतने पैसे गुरु जी के फ्रेम पे खर्च करती हूँ। मैंने बहुत सिंपल फ्रेम करा रखे हैं, 300-400 रुपये में इतने बड़े बड़े स्वरूप ये फ्रेम हो जाते हैं, और जो आपको फोटोग्राफर है वो तो बोलेगा, उसको तो अपना काम करना है, दिमाग तो आपने लगाना है, हमने लगाना है संगत जी, वो तो आपको बोलेगा कि भाई स्वरूप कांच का फ्रेम करा लो, डबल वाला करा लो, अंदर लाइटें भी लगवा लो, जब आप गुरु जी का स्वरूप पे लाइट लगाओगे तो बड़े सुंदर लगे, चमकेंगे गुरु जी। तब मैं उनको ये कहती हूँ, ज़्यादातर तो मैं क्या करती हूँ, लोगों के घर में जाके ना तार ही काट देती हूँ, मैं डर लगता बिल्कुल, नीचे से कहती हूँ मैं तुम्हारी तार काट दूंगी इसकी, कैसे जलाओगे तुम लाइट। और फिर उनको ये कहती हूँ कि तुम्हारे सर पे बत्ती जला दूँ मैं, लाओ लेके आओ लड़ियाँ और मैं तुम्हारे यहाँ पे लड़ियाँ लगा दूँ, कैसा लगेगा तुम्हें? ये क्यों नहीं समझते लोग? गुरुजी को मैं यही कहती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती गुरुजी मैं थक गई हूँ, मैं कभी नहीं कहती, मैं जिस दिन गुरुजी को बोलूँगी ना मैं थक गई हूँ बोल बोल के, तो उस दिन गुरुजी मुझे कहेंगे तो थक गई है छोड़ दे अपनी सेवा, मैं किसी और को दे दूंगा। पर मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, ये वर्ड मैं बोलती नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, ये लोग मानते नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं मुझे, तभी तो मैं तुझे वहां भेजता हूँ,
जहाँ पे ऐसी संगत ही नहीं पहुंच पाती है तेरे जैसी कि वो जाके उनको ये छोटी छोटी चीजें बताए। अलमारी में गुरु जी के सब रूप लगा के अलमारियां बंद कर देते हो, गुरु जी को बंद कर दिया, पंखा नहीं चल रहा वहां पे। अब जब गर्मी आएगी, जितना टाइम मैं घर में रहूंगी ना, उतना टाइम मैं इस कमरे में रहूंगी और एसी चलेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी को, मेरे को लगता है मैं एसी में बैठी हूँ तो मेरे गुरुजी क्यों नहीं बैठेंगे। सोना तो हमने दूसरे रूम में भी है, वहाँ भी हम एसी चलाते हैं, तो हम गुरुजी के रूम में क्यों ना एसी चलाएं। और गुरुजी चाह रहे हैं, इतना बड़ा रूम है, कोने में मैं सो जाती हूँ। तो ये सब गुरुजी करवाते हैं। और एक और छोटा सा मैं आपसे एक शेयर करके फिर मैं चलूँगी, अब 9:15 बज गए हैं संगत जी, आपको भी खाना वाना बनाना होगा। आजकल ना, पहले भी शेयर किया फिर आज करवा रहे हैं गुरुजी, ये छोटी छोटी सी जो गद्दियाँ लगानी शुरू हो गई हैं आपको ऑनलाइन फेसबुक पे, ग्रुप्स में, मार्केट में, वो गद्दियाँ मिलती हैं, इतनी सी गद्दी होती है, इतने से स्टूल होते हैं और इतनी सी जुत्ती रखी होती है और चोला लगाया, गद्दी लगा ली। वो गद्दी नहीं है, उसको लगा के अपने कर्म बढ़ा रहे हो, वो बच्चों के खिलौने हैं। फिर एक ही बात कहती हूँ, जब गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं तो इट मीन्स गुरुजी 6 फुट के लंबे चौड़े इंसान के रूप में हैं, तो उनको अच्छे से एक गद्दी चाहिए। अगर लगाने का इतना मन है तो बड़ी सी कुर्सी लगाइए, अच्छे से गुरुजी कंफर्टेबल बैठ सकें, आराम से पैर फैला के बैठें। क्या गुरुजी इतने चिन्ने से बच्चे हैं, गुड्डा हैं वो, जो आप उन्हें इतनी छोटी सी गद्दी बिठाते हो? तो मुझे समझ में नहीं आता कि देखा देखी गद्दी लगानी ही क्यों है आपने। आप खाली स्वरूप लगा के भी तो पूजा कर सकते हो, कितनी बार समझाती हूँ, स्वरूप लगाओ, नीचे आप उसके एक चौकी रखो, जमीन पे कपड़ा बिछाओ, वहाँ पे चरण रख दो, और एक स्टूल के ऊपर जल प्रसाद रख दो, जोत रख दो, साइड में भोग रख दो। कोई ज़रूरत नहीं आपको गद्दी लगाने की। आपको अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो गद्दी मत लगाइए संगत जी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कर्म बढ़ा रहे हो आप। मैं तो ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी ब्लॉक मारती रहती हूँ कि जो ये गद्दियाँ बेचते हैं। फिर जब जिनको जाके समझाती हूँ, जिनके घर गुरुजी मुझे भेज देते हैं, वो कहते हैं हम ना ये गद्दी किसी और को दे देंगे, फिर मैं अपना सर पीट लेती हूँ। मैं कहती हूँ भाई, किसी और को दोगे तो उसके भी तो कर्म बढ़ेंगे, आप किसी और को मत दो, आप ये जो गद्दी है ये उसी को वापस करो जिससे आपने खरीदी है 3,000 रुपये 2,500 रुपये की, और उसको बोलो भाई हमने बहुत बड़ी गलती की थी इस गद्दी को लेकर, तू ये गद्दी वापस ले ले और तू ये आगे मत बेच, हम भी तेरे को सिखाते हैं, हमें तेरे से पैसे भी वापस नहीं चाहिए, ले ले अपने घर। या मियाँ वाली में मैंने एक दो लोगों से कह के वो गद्दी हटवाई है और उन्होंने हटा दी। गद्दी लगानी है तो अच्छी सी कुर्सी, जब आपकी कैपेसिटी हो, आपके अंदर इतना हो कि आप कर सको उनकी सेवा, एक अलग कमरा उन्हें छोटा सा दे सको ताकि गुरु जी उसमें रेस्ट कर सकें। कई लोग क्या करते हैं, ड्राॅइंग रूम के अंदर ही गद्दी लगा देते हैं। बताओ, ड्राॅइंग रूम है, ड्राॅइंग रूम में चप्पल आ रही है, बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुरुजी को कहाँ आराम मिल रहा है। अगर गद्दी लगाने का शौक है तो गुरुजी को छोटा सा स्थान दीजिए ताकि जिसमें गुरुजी भी आराम से बैठ सके और वो भी रेस्ट कर सके, उनको भी इतनी दुनिया कल्याण करना है, आप तो उन्हें परेशान ही कर रहे हो ना। क्या क्या बताऊँ मेरे को गुरु जी, मैं कई बार कहती हूँ गुरु जी मैं कितने आप मेरे से क्वेश्चन आंसर करवाते हो, तो फिर मेरे को गुरु जी यही कहते हैं कि ऐसे ही थोड़ा ना तुझे मैंने हेड गर्ल बना दिया है। बड़ी खुश हो जाती हूँ, कहती हूँ शुक्राना मेरे गुरुजी, पहले तो मैं आपकी स्टूडेंट ही नहीं बन पाई हूँ, शायद आपने बनाया, फिर मॉनिटर बनाते हो, फिर हेड गर्ल बनाते हो, फिर प्रिंसिपल बनाते हो, और मेरे अमृत वेला की संगत तो कृष्णा बेचारा छोटा सा बच्चा और उसकी मम्मी और सब कहते हैं आपका नाम तो हमने टीचर जी डाला हुआ है, मास्टर नहीं डाला हुआ है। और अभी ना एक और था कि वो मैं एक चेरी काउंटी में सत्संग में गई तो वहाँ पे ज्ञान अंकल है, ज्ञान प्रकाश अंकल है हमारे, बहुत अजीज़ हैं वो, बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो वो ना जैसे एक सत्संग ख़त्म होता है तो उनका फ़ोन बज जाता है, तो मैंने उनको बोला कि अंकल आपका फ़ोन जरूर बजता है। तो थोड़ी देर के बाद ना मेरे सेवादारों को बोलते हैं कि हंस के कहते हैं मुझको लगता है ये ना मास्टर नहीं थी पिछले जन्म में, ना पक्का मास्टर नहीं होगी इसको गुरु जी ने यहाँ खड़ा किया। मैं बड़ी देर ना मेरी हंसी छूट जाती है, मेरे गुरु जी आप कितने प्यार करवाते हो, मतलब उसमें भी उनका प्यार था। तो संगत जी शुक्राना। अच्छा हाँ, मैं एक और आज की ब्लेसिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जब आज मैं अमृत वेला करके जाके मैं लेटी थोड़ी देर के लिए, सोई तो आज मैं थी नहीं क्योंकि मुझे आज शिवरात्रि का सामान लेने जाना था, अपने दरबार को कल डेकोरेट करना है हमने। और आपको मैं ये बता दूं कि परसों का दरबार एक बहुत ही
ऑसम और एक ब्यूटीफुल दरबार लगने वाला है। सत्संग तो नॉर्मल होगा, 3 से 5 होगा, सुबह अमृत वेला होगा, फिर 3 से 5 सत्संग होगा, और 4:15-4:30 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊँगी ताकि आप मंदिर हमारे दरबार के दर्शन कर सको और संगत के दर्शन करके इंजॉय कर सको, भजन सुन सको, और बहुत ब्यूटीफुल दरबार है ये, सरप्राइज़ है सबके लिए। तो जैसे ही मैं लेटी ना, तो मेरे पास ना एक मैसेज आया। सोचिए किसका मैसेज आया। आपने उनका नाम सुना हुआ, साज मल्होत्रा, जन्नत जन्नत के नाम से वो अभी बहुत सुंदर भजन गाती है, और बड़ी सूफियाना, बड़ी रूहानी उनकी वॉइस है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसने अभी, मतलब वो सेकंड सिद्धार्थ मोहन है, समझ लीजिए कि वो उसकी तरह ही गाती हैं, उनकी तरह गाती हैं, और बड़े ठहरे हुए में गाती हैं कि इतना प्यारा। अब मैं ना आपको ना अभी उन्हीं का ही ना, ये सत्संग ख़त्म होने के बाद मैं उनका ही आपको भजन सुनाऊंगी। बड़ी ब्लेस्ड बच्ची है, 21 ईयर की भी नहीं है, और बहुत खूबसूरत है, साज मल्होत्रा, हाँ जी, जन्नत द्वार। तो उनका ना मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आया हुआ था, बहुत प्यारा। उन्होंने मुझे लिखा कि बुलबुल आंटी, मैंने आपकी वजह से ना अमृत वेला अटेंड किया आज से 6-7-8 महीने पहले, पर बीच में ना मेरा अमृत वेला छूट गया, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे को अमृत वेला दोबारा से आप बख्श दो। तो उन्होंने, गुरुजी ने मेरे को फिर से 1-2 दिन से 3 बजे उठाना शुरू किया, और मैंने अमृत वेला किया। तो बोली उसने, फिर मेरे को वॉइस मैसेज में भेजा कि आंटी, मैं जलंधर में रहती हूँ, मैं 17 को दिल्ली आ रही हूँ, और यहाँ पे 20th को कोई सत्संग है, और आपके घर में रोज़ अमृत वेला होता है, तो मैं ना आपसे मिलना चाहती हूँ, आप ना बस मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे देना, और मैं ना आपको मिल के आपको हक करना चाहती हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि मैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा, जब उसको इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है तो मेरे लिए तो गुरु का रूप है। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, मैंने कहा गुरु जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग दिलवाई आज आपने मुझे। ऐसे तो मुझे सुबह उठते बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मेरा मन करता है मैं स्क्रीन शॉट लूँ और उसकी किताब बनाऊँ, जिसके अंदर लोगों ने लिखा होता है कि आंटी, हमने आपका अमृत वेले के बारे में सत्संग सुना और हमें अमृत वेला मिला और हमें ये दात मिली, हमारे ये काम हो गए। तो उस साज मल्होत्रा बच्ची ने मुझे बोला कि आंटी, जब मैंने अमृत वेला किया तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है, और मैं आपकी वजह से उस अमृत वेला से जुड़ पाई हूँ, और कहती है कि मेरा छूट गया था और मैंने अचानक से यूट्यूब पे गुरुजी ने मुझे किसी आंटी का सत्संग सुनाया, जो कि ये शेयर कर रही थी कि मैंने बुलबुल आंटी का अमृत वेला सुन के अमृत वेला स्टार्ट किया और मुझे ब्लेसिंग मिली, तो एकदम मेरे माइंड में आया हो, मैंने तो छोड़ दिया था, और मेरे को तभी गुरुजी ने कहा कि तू बुलबुल आंटी को फ़ोन कर और मैसेज कर। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मुझे रोज़ ब्लेसिंग दिलाते हो, ऐसे ही दिलाते रहना, अपने चरणों की धूल बना के रखना, अपने चरणों में रखना। मुझे कोई शौक़ नहीं है मॉनिटर बनने का या कोई हेड गर्ल बनने का, वो तो आपकी कृपा है जो आप ये थॉट भी लोगों में डालते हो, जो वो मुझे बोलते हैं कि आप मॉनिटर हो, आप माई टीचर हो, मैं कुछ नहीं हूँ गुरु जी। आप आ सकते हैं संगत जी, सब आ सकते हैं दर्शन के लिए, दरबार खुला है सबके लिए, दरबार खुला है। 11 तारीख को पहले अमृत वेला होगा, शिवरात्रि का सत्संग होगा, और दोपहर को 3 से 5 शिवरात्रि का सत्संग है। जो भी संगत आना चाहे, पर मुझे कंफर्मेशन जरूर दे दें, क्योंकि इस बार मेरे बर्थडे पे और वैलेंटाइन पे भी 225 से ऊपर संगत थी, और अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा जगह का हिसाब देखना है। अब मुझे, मेरा नंबर है यूट्यूब पर, पार्ट नंबर 81 में बुलबुल आंटी सत्संग डालेंगे, उसमें मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, और मैं मैसेंजर यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप उसमें मुझे बता दीजिएगा कि आप आना चाहते हैं। BC/7 1st floor मियांवाली नगर। देखिए अभी मैं बोल रही थी और दीपिका बत्रा आंटी लिख रही है, एड्रेस दे दो प्लीज़, गिव मी एड्रेस। गुरुजी ने अपने आप ही बता दिया। हाँ जी आंटी, दीपाली आंटी, रिवाड़ी भी गुरुजी जल्दी बुलाएंगे, रिवाड़ी तो बुला रहे हैं, पहले भी रिवाड़ी बुलाया, और अभी रिवाड़ी में 1000 संगत का सत्संग है, वहाँ जाना है, अभी पानीपत जाना है, सहारनपुर जाना है, लखनऊ जाना है, बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने बुक कर रखे हैं, आजकल गुरुजी बाहर भेज रहे हैं, और दिल्ली में भी बहुत सत्संग की सेवा ले रहे हैं। सो मैं गुरुजी की बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी और मुझे ये इस काबिल समझा। हाँ जी आंटी, आप आइए, पर आप मुझे ज़रूर एक व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आप आना चाहते हैं, और 3 से 5 का सत्संग है। शिव जी के लिए हम महाशिवरात्रि पर, इस बार हम ना
ब्याह नहीं कर रहे हैं, बस हम भजन बहुत अच्छे अच्छे चलाएंगे और दरबार सजाएंगे। इस बार दरबार को देखिएगा अलग रूप में, क्योंकि शादी हमने गुरुजी की, अभी जब मेरी शिव पुराण ख़त्म हुई थी गुरुजी नाल मौजा में, मैंने उसमें आपकी गुरुजी का विवाह हमने किया था, बारात भी आई थी, सब कुछ किया था, पर हम यहाँ डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत रौनक लगाएंगे। हाँ जी, एड्रेस मैंने अभी दिया है आंटी अंकल, BC/7 फर्स्ट फ्लोर मियांवाली नगर नियर पीरा गढ़ी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 7। मेरे घर का नंबर भी 7 है, हाँ जी, पश्चिम बिहार के पास, और गेट नंबर भी 7 ही है जो खुला होता है आने के लिए। हाँ जी, पश्चिम बिहार के पास है मियांवाली नगर, गुरु हरकिशन नगर की बैक साइड में है। तो आइए संगत जी, हम साज मल्होत्रा का आज देखिए, बहुत ब्लेस ब्लेस लोग हैं, सोनिया अरोड़ा आंटी हैं, चिताली आंटी हैं, और सदा मासूम जी हैं, सिद्धार्थ मोहन जी हैं, पुनीत खुराना है, सब बहुत अच्छा गाते हैं। पर जो आज ये नए नए बच्चे जो हैं ना, जो आ रहे हैं, नई नई जनरेशन जो आ रही है, तो वो भी बहुत ब्लेस्ड हैं। आंटी मैं यहाँ पे अपना नंबर नहीं दे सकती, आप यूट्यूब पे जाइए ना, बुलबुल आंटी सत्संग डालिए, उसमें पार्ट नंबर 81 के पहले जितने भी सत्संग हैं खोलिए, उसमें सब में मेरा नंबर आपको मिलेगा। तो आइए मैं आपको साज मल्होत्रा जी का एक बहुत प्यारा भजन सुनाती हूँ। को सब ब्लेसिंग दीजिएगा। असि पत्तियां वांगू दर दर तके खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने। रीटा आंटी जय गुरु जी, टॉप गाय आंटी जय गुरु जी, तुसी फड़ दे ना दा रजनी आंटी जय, असा रुड़ जाना सी। लव यू रीटा आंटी। सानू किते ना लब दी था, यस हां जी, असा मर जाना सी। फर्स्ट फ्लोर लिख लीजिएगा। सानू किते ना लब दी असा रुल जाना सी, किते ना लब दी था असा मर जाना सी। शुक्राना। तू मेरे साथ है। देखिए कितनी ब्लेस्ड वॉइस है बच्ची की। तू मेरे साथ है। अब हम विदा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे अंकल भी आ गए हैं, उनको भी खाना देना है। कल सुनाऊंगी मैं आपको अमृत विला में, कोशिश करूंगी, ये यही वाला इनका
20 मिनट की इनकी है, ऑडियो है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे भजन हैं, मैं कल सुनाऊंगी। और जल्दी ही वो यहाँ पर आकर हमारे ही इस दरबार से, गुरुजी के घर से वो लाइव आएंगी आपके साथ में। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आएंगी और मैं आपको उनकी ब्यूटीफुल वॉइस भी और उनके भी दर्शन कराऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल बच्ची है साज मल्होत्रा, गुरुजी इसको चढ़ती कला में बख्शें, आगे तक लेकर जाएं, सब उनको ब्लेसिंग दें। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना गुरुजी। और आज हमारी सेवादार, बहुत प्यारी सेवादार पूजा आंटी का बर्थडे भी है, सुबह सबने उनको विश किया था, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे पूजा आंटी। सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सदा खुश रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। जिसका नाम नहीं ले पाई हूँ प्लीज़ माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मेरे दिल में सब हैं। तो थैंक यू सो मच, जय गुरुजी।